ओके देखो ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर फिजिक्स का, 11th चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। बता देखो, इसका थोड़ा बहुत तुमने 10th में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक स्पार्क कौन सा था वो तुमको चैप्टर, एक था ना इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, चाहे इलेक्ट्रिक करंट था ऐसा कुछ, हाँ तो उसमें पढ़ा रहेगा इसका बेसिक। बरा थोड़ा ये GW वगैरह में भी आता है ये सब चीज़, बरा तो थोड़ा डिटेल में देखना है। इसके ऊपर मैंने तुमको सर्किट का सिखाया ना, सर्किट कराया ना, सर्किट कॉम्बिनेशन रजिस्टर GW के एक लेक्चर में कराया था। चलो ठीक है, पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है इलेक्ट्रिक करंट, बरा बेसिक जो तुमको मालूम है वैसे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बराबर ना, पढ़ा है ना ये सब चीज़, बराबर। तो वही जो मैंने बोला वही लिखा है, पढ़ो क्या है फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। बराबर, रेट का मतलब मालूम है ना, जब भी कोई भी पैरामीटर को किससे डिवाइड करेंगे तो रेट आता है, बताया था ना टाइम से। बराबर, जब भी कोई भी चीज़ को टाइम से डिवाइड किया जाएगा तो वहाँ पे तो उसके डिफाइन में तुमको रेट वाला वर्ड मिलेगा, कन्फर्म, समझा। तो करंट क्या है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बराबर ना, समझा। आई का फॉर्मूला है तो इसमें I इज इक्वल टू डी की वाई, डी दिखाई दे रहा है तुमको, डी दिखा तो इंस्टेंटेनियस आता है कि एवरेज आता है, ये तुमको याद हो गया है। और डेल्टा दिखा तो एवरेज, तुमको सिखाया ना एवरेज वेलोसिटी, अभी तो पढ़ा है मोशन प्लेन उसमें, तो मैंने तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस लिखा है। एवरेज से इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हो तुमको मालूम है, डायरेक्ट डिनोमिनेटर टेंड्स टू जीरो लेने का हो जाता है ना, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिमिट में, हाँ। तो हमारे पास DQ/dt, देखो करंट का फॉर्मूला ये, चार्ज अपॉन टाइम, जब भी चार्ज को टाइम से डिवाइड करें करंट बनता है, बराबर, करंट का फॉर्मूला है। तो Q/dt, बोलो ये कौन सा रहेगा, बताओ ये कौन सा करंट है, Q/dt ये कौन सा करंट रहेगा, एवरेज, डेल्टा आया तो एवरेज ना, एवरेज ना, देखो ना यहाँ पे लिखा रहेगा। और याद है कभी कभी मैं जैसे कि Δ θ/Δt था ये सब, तो मैंने कभी कभी θ/t भी लिया था ओमेगा को, समझा है क्या, याद है, अरे वो नेट एक्सेलरेशन और डेरिवेशन में ही किया था ऐसा, बराबर। ओमेगा का फॉर्मूला होता है Δ θ/Δt, ये अगर एवरेज रहेगा तो ना, बराबर ना। तो ये डेल्टा हटा भी दिया था याद है मैंने, और उसको मैं θ/d चलता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। तो जैसे डेल्टा हटाया जाए तो भी चलेगा, वैसे देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या है, I = Q/t, तुम लोग Δ θ/Δt लिखेंगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो तुमको लिमिट Δ t → 0 लेना पड़ेगा। ये नया चीज़ नहीं है, इसके लिए ज़्यादा उसमें मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो सब सिखाया हुआ है, सिखाया ना तुमको, Δ q/Δt में जब भी लिमिट Δ t → 0 लगेगा तो वो क्या बन जाएगा, DQ/dt, बराबर। डेल्टा चेंज होता है डी में जब लिमिट Δ t → 0 लग जाता है, तो बराबर। तो आय का तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, DQ/dt, याद रहेगा, ऐसा फॉर्मूला तुमको ओरल में पूछेगा जाते जाते, याद रहेगा। पहला पॉइंट है डिफाइन, याद है तुमको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। फिर फॉर्मूला याद रखो, किसका फॉर्मूला था वो सेकंड पॉइंट में, किसका फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला याद रहेगा। आय का फॉर्मूला क्या है, लिमिट Δ t → 0 Δ q/Δt, इसका मेन आंसर क्या आता है, DQ/dt, बराबर ना। तो आय का फॉर्मूला है DQ/dt इंस्टेंटेनियस के लिए, बराबर। अगर एवरेज रहेगा तो तुम लोग Q/t भी लिख सकते हो, बराबर, Δ q/Δt भी लिख सकते हैं। ओम्स लॉ पढ़ा है हम लोग ने, ये सब नया चीज़ नहीं है, अभी बाकी जो नया चालू होएगा, अभी तो उन्होंने नया लिखा ही नहीं कुछ भी यहाँ पे। ओम्स लॉ पढ़ा है, V = IR, पढ़ा है ना, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ में भी I आता है ना वहाँ पे, V = I * R, तो उधर से भी I निकाल सकते हैं। अगर V = IR है, अगर V का आंसर होता है I * R, तो I का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, V/R, ये ओम्स लॉ से भी एक फॉर्मूला बनता है ना, तो पढ़ो, फ्रॉम ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय I = V/R, ये ओम्स लॉ से आया फॉर्मूला है। बहुत सारा फॉर्मूला मेरे पास, बहुत सारा, लेकिन लिखा है तुमको कम है, बड़ा इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं किया। तो फॉर्मूला कुछ याद रखो, इंस्टेंटेनियस करंट का याद रखो, एवरेज का याद रखो, ओम्स लॉ से याद रखो, बराबर, इजी है सब, सिंपल चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, ये भी थियोरेटिकली कंटेंट है, समझो टेंथ का पढ़ा रहा है मैं अभी तुमको, पढ़ो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, बराबर। इलेक्ट्रिक करंट दोनों चार्ज की वजह से फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी हो सकता है, नेगेटिव की वजह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि होता ही है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, दोनों के वजह से हो सकता है। कंडक्टर समझ में आता है, कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कंडक्टर समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल लोखंड, आयरन, बराबर ना, लोखंड, उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है,
इलेक्ट्रॉन की वजह से, नेगेटिव दो बताया ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैसे बताया, लेकिन कंडक्टर में किसके वजह से होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन याद रहेगा, कंडक्टर में किसके वजह से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइट मालूम है, इलेक्ट्रोलाइट नमक NaCl, उसको पानी मिक्स कर दिया, स्टिर कर दिया तो अंदर आयंस बनेंगे, NaCl था ना, NaCl को जब पानी में डिसॉल्व कर दिया, बोलो क्या क्या बनेगा, Na+ और ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, इसको ये जो बनेगा ना वो जो सॉल्यूशन रहेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोलाइट में दोनों चार्ज के मोशन के वजह से करंट फ्लो होता है। मैं तुमको तीन चीज़ बताया गया, उसमें से पहला याद है क्या बताया था, कंडक्टर, कंडक्टर में किसकी वजह से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोलाइट में दोनों पॉजिटिव चार्ज और एचएन, उसको केटायन बोलते हैं और एनायन बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा, लेकिन अपन पढ़ रहे फिजिक्स, बराबर, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के वजह से होता है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट, बराबर। एक और होता है सेमी कंडक्टर, जिसको तुम बोलते हैं सेमी मेटल्स, भी पढ़ा रहेगा ना तुमने, पढ़ा है ना टेंथ में मेटलॉइड्स ये सब पढ़ा है ना, सेमी कंडक्टर सिलिकॉन पढ़ा था ना, सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब, बराबर, ये सब था ना तुमको, हाँ, उसमें पॉजिटिव चार्ज होल्स की वजह से भी होता है, पॉजिटिव चार्ज को होल्स बोलते हैं, बताऊंगा तभी सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी करंट फ्लो होता है। देखो तुमको तीनों चीज़ बताया मैं, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो कहाँ होता है, कंडक्टर में होता है, इलेक्ट्रोलाइट में होता है, इसमें दोनों की वजह से होता है, बराबर, सेमीकंडक्टर में भी होता है, सेमीकंडक्टर में एक्चुअल सेमीकंडक्टर में दोनों की वजह से होता है, एक टाइप का सेमीकंडक्टर में होल्स का मोशन की वजह से होता है, बराबर, दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप, था क्या ऐसा कुछ पहले, नहीं शायद, बताऊंगा, चलो, तो पी टाइप में एक कोई तो चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है, एन टाइप में कोई तो एक चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है, कोई तो एक मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, समझा, याद रहेगा, हाँ, तो अभी एक बार पूरा एक बार अच्छे से सुन लो, कंडक्टर में किसकी वजह से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है, बराबर, इलेक्ट्रोलाइट में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, बराबर, सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, उसके ऊपर पॉइंट लिखने बता दे रहा है, सेमीकंडक्टर दो टाइप का रहता है, बराबर, हाँ, एक्चुअल में बहुत बाइफर्केशन बहुत सारा है, एक रहता है प्योर सेमीकंडक्टर, एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर रहता है, बराबर, समझा, तो प्योर के अंदर भी दो टाइप रहता है ऐसा, पी टाइप एन टाइप वगैरह, तो उसमें मैं जो बता रहा है सेमीकंडक्टर में दोनों के वजह से हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर समझो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो होएगा, एन टाइप का है तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो होएगा, समझा, मतलब अगर मैं सेमीकंडक्टर बोलता है तो दोनों की वजह से करंट फ्लो हो सकता है, तो ऐसा मत सोचो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो नहीं होता है, एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइट, इसमें पॉजिटिव चार्ज मूव हुआ तो फ्लो हुआ करंट, बराबर, सेमीकंडक्टर भी एक एग्जाम्पल, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है, ऐसा मत सोचो कि खाली इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ऐसा नहीं होता है, समझा, दो एग्जाम्पल याद रहेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव हुआ ना यहाँ पे, नेगेटिव हुआ ठीक है, पॉजिटिव भी तो मूव हुआ, तो इधर तुमको पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी करंट मिलेगा और सेमीकंडक्टर में भी मिलता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, याद रहेगा, ऐसा मत सोचो कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो करंट, ऐसा नहीं होता है, समझा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ तो भी करंट रहता है, चलो अब पढ़ो, करंट कैन बी जनरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पहला पॉइंट बताया था ना, हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि दोनों से होएगा, दोनों से सिर्फ इधर होता है, इधर ना, इधर दोनों से होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, मैं क्या बोल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से करंट जनरेट कर सकते हैं, बराबर, सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, ये इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसमें दोनों के वजह से होता है फ्लो, पढ़ो, इन इलेक्ट्रोलाइट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल टेक पार्ट इन कंडक्शन, मतलब मोशन करंट का, जब इलेक्ट्रॉन मूव होएगा फिर चार्ज पार्टिकल, उसको बोलते हैं कंडक्शन, बराबर, समझा, मेटल में याद है मेटल मतलब कंडक्टर, उसमें किसकी वजह से होता है फ्लो, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो पढ़ो, इन मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टर, अब थोड़ा और डिटेल में जरा सुन लो, देखो एक कंडक्टर में, थोड़ा चलो डिटेल में बताता हूँ, इतना ज़्यादा थोड़ा इजी हो जा रहा है, देखो समझो एक कंडक्टर है हमारे पास, बराबर, कंडक्टर, बराबर, कंडक्टर में कंडक्टर के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर, कंडक्टर के सरफेस पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन का मतलब मालूम है क्या, ये मूव होते रहेंगे ऐसा आगे पीछे यहाँ वहाँ, समझा, इधर उधर मूव हो रहा है ऐसा समझो, इधर भी ऐसा कैसे भी मूव होते रहते हैं ऐसा, कौन इलेक्ट्रॉन, किधर, कंडक्टर के सरफेस पे, समझा, कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा मोशन करता है, रैंडम, यहाँ वहाँ मूव होते रहता है, बराबर, कैसा भी मूव होएगा तो करंट नहीं होता है, समझा, करंट कब आता है, जब भी चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव हुआ ना, एक डायरेक्शन में, तो करंट आएगा,
चार्ज के मोशन से सिर्फ करंट नहीं आता है, चार्ज का मोशन एक डायरेक्शन में होना चाहिए, कोई तो एक डायरेक्शन में, तो आएगा करंट। समझा पॉइंट क्या है? हाँ, तो क्या इधर करंट आएगा अभी? सब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, यहाँ वहाँ मूव हो रहा है, समझा? रैंडम मोशन कर रहा है, तो क्या करंट आएगा? नहीं आएगा, यहाँ पर करंट नहीं हो सकता, रैंडम मोशन से करंट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन से नहीं आएगा। अब देखो क्या करता है, जैसे ही मैंने इसको कोई एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बरा एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, समझ में आता नहीं सब चीज़, ये पढ़ा है ना, टेंथ में है। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी, या फिर पोटेंशियल वी बोल सकते हैं, इतना वोल्टेज लगा दिया, तो बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड, बरा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तुम्हारा ये, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है मूव करने लग जाता है, बरा। सुनो क्या क्या होता है, बैटरी लगाया, बैटरी से क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो मूव होने स्टार्ट होता है एक डायरेक्शन में, समझा? एक डायरेक्शन मूव होने चालू हो जाएगा, समझा पॉइंट क्या है? हमेशा याद रखो, बैटरी के नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, बरा, बैटरी के नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, कहाँ पे? बैटरी के पॉजिटिव साइड पे, बरा। कन्फ्यूजन है, ज़रा ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है? नेगेटिव से पॉजिटिव, समझा? लेकिन करंट पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करता है, दोनों अलग अलग चीज़ है, समझा क्या? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बट करंट ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू, रीजन है न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, समझा? समझा लॉजिक क्या है? तो समझा करंट वगैरह कैसे बनता है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन मूव होगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कब आता है? जब बैटरी लगाएंगे, बैटरी नहीं लगाए इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होएगा, समझा? चलो पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन मूव होएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया, जैसे बैटरी हटा दिया, मूव होएगा आगे, अपने जगह पे तो होएगा लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं मूव होने वाला। चलो एक बार फिर से पढ़ते, पढ़ो। इन मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, आगे दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड जनरेट नेट करंट, मतलब कुछ तो करंट जनरेट करेगा, नेट करंट, हाँ, अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बैटरी लगाया तुमने, क्योंकि बता इलेक्ट्रिक फील्ड आता किसकी वजह से, बैटरी हटा दिया नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा? बराबर याद रहेगा, वो जो स्टेट, जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, इधर बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे बनाया? सेल लगाया या तो बैटरी लगाओ, तुम्हारी मर्जी। पढ़ो लास्ट वाला पॉइंट, स्टेडी का मतलब मालूम है क्या? स्टेडी मतलब स्टेडी, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, जितना है वैसे का उतना ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा? स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेडी रुका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर, समझा रहा है? स्टेडी स्टेडी मतलब उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। वो कैसे जनरेट कर सकते हैं हम लोग? पढ़ो, स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड बाय सेल और बैटरी, सेल या फिर बैटरी से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, इजी है ना? ये तो थ्योरी है, ये टेंथ पढ़ा रहा है अभी मैं तुमको, समझो, इसके लिए मजा नहीं आ रहा है, आगे पढ़ाएगा तो बहुत मजा आएगा, समझा? ये दो चीज, इलेक्ट्रिक करंट पहले पढ़ा हुआ चीज है, कुछ नया पढ़ाएगा तो तुमको मजा आएगा ना, ये तो तुमको पहले से मालूम है, करंट के बारे में तुमको पहले से मालूम है। एक चीज नया सीखा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रैवल होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन करंट, समझा? बरा करंट, सिर्फ करंट नहीं, सिर्फ करंट, देखो करंट और इलेक्ट्रिक करंट एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? अलग है कि सेम सेम है? करंट और इलेक्ट्रिक करंट सेम है, अलग अलग चीज है, बताता हूँ क्या है। चलो अलग तो सुन लो क्या है अलग, देखो करंट बहुत सारे टाइप का करंट हो सकता है, वाटर करंट हो सकता है, बराबर, विंड करंट हो सकता है, एयर करंट बोल सकते हैं जिसको, बराबर, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट भी हो। पहले सबसे पहले करंट का मतलब समझो, बराबर, करंट मतलब फ्लो, समझा? फ्लो, फ्लो जो भी चीज़ फ्लो होता है ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, उसको बोलते हैं करंट। जैसे कि झरने से पानी गिरता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है ना, हायर पोटेंशियल ना से लोअर पोटेंशियल फ्लो हुआ ना, क्या फ्लो हुआ? तो वाटर करंट है वो, समझा? हवा, एयर, वो भी फ्लो होता है, बराबर, समझा ना? जहाँ पे प्रेशर कम रहता है और जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से कम प्रेशर वाले एरिया में जाता है, फ्लो होता है ना, मालूम है ना तुमको ये? अरे प्रेशर ज़्यादा रहेगा अभी अंदर, ऐसा अंदर ये बीच में प्रेशर ज़्यादा करूँ तो लोअर प्रेशर की साइड फ्लो होएगा ना, वो समझ में आ रहा है ना, मालूम है ना? तो विंड करंट बोल सकते हैं, एयर करंट बोल, इसमें ये तो वाटर हो गया, समझा? विंड करंट हो जाएगा वो, बराबर ना? जब चार्ज फ्लो होता है ना, चार्ज, तो इलेक्ट्रिक करंट आता है,
समझा क्या, करंट में भी अलग, बहुत सारा डीप में बहुत सारा बताने जाओ तो एक दो दो तीन घंटा लग जाएगा, बहुत कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताने के लिए। समझा करंट और इलेक्ट्रिक करंट में फर्क क्या है? करंट मतलब जो भी चीज फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना, एनीथिंग विच कैन फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज करंट। एग्जाम्पल विंड करंट ले लो, वाटर करंट ले लो, बराबर। जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक करंट। समझा, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में हायर पोटेंशियल पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव का पोटेंशियल लोअर। नंबर लाइन तो मालूम ही रहेगा, नंबर लाइन में बराबर ना, इधर से पॉजिटिव नंबर आते हैं, बीच में जीरो आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है ना, ये ऐसा बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव साइड ज्यादा ना, ज्यादा बड़ा कौन है, पॉजिटिव। तो हायर पोटेंशियल दोनों में से कौन रहेगा, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है। तो करंट कोई भी करंट रहने दो, मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा, कैसा भी करंट। विंड रहने दो, विंड तो विंड, वाटर तो वाटर, इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट, हर एक करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, समझा, याद रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन उल्टा है, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो होता है। अरे इलेक्ट्रॉन देखो ना कहाँ से निकला, नेगेटिव से निकला ना और पॉजिटिव की तरफ गया, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा, ऐसा ही है, तुमको लगता रहेगा यही है, नहीं समझा रहा है, समझा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, बराबर। रीजन बहुत सिंपल है, करंट कोई भी करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो होता है, समझा। इलेक्ट्रिक करंट भी वैसे ही फ्लो होने वाला है, समझा, बराबर है। चलो अब हाँ, तो ये तुमको ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, ओम्स लॉ पढ़ते हैं, ओम्स लॉ भी पढ़ा है इस पे, तो तुम लोगों ने वो एक प्रैक्टिकल भी किया है टेंथ में ना, प्रैक्टिकल था ना तुमको ओम्स लॉ पे, एक प्रैक्टिकल था ना ओम्स लॉ, हाँ। एक ऐसा सेटअप रहता था, सेटअप ऐसा बरा इधर ऐसा, याद है नॉब रहता था, घुमाते थे वो काटा, यहाँ वहाँ आता था, किया है कि नहीं किया है, नहीं किया हो, बहुत सारे कॉलेज स्कूल में होता है, बहुत सारे स्कूल में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, ओम्स ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और उनको मालूम पड़ा कि जैसे ही हम लोग पोटेंशियल बढ़ाएंगे, पोटेंशियल ना बैटरी का वोल्टेज, ये बढ़ाऊँ मैं, जैसे ही बढ़ाऊँ बराबर, ये एमीटर का जो काटा है वो पॉइंटर है वो आगे के जाता है, ऐसा उसने वो देखा, समझा क्या देखा, जैसे ही उसने वोल्टेज बढ़ाया, बराबर है, वोल्टेज बढ़ाया क्या बढ़ गया, करंट बढ़ गया। अरे बढ़ा तभी तो वो पॉइंटर ऐसा ऐसा आएगा ना, पॉइंटर नंबर ऐसे ज़्यादा रहता है ना, क्या उल्टा ऐसे ज़्यादा रहता है, ऐसा रहता है ना, बराबर ना। तो क्या बढ़ाया तो क्या बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ गया, बराबर। फिर बाद में देखा चलो वोल्टेज कम करके देखते हैं, जैसे ही वोल्टेज कम करके देखा तो करंट भी कम हो गया, ये कैसे मालूम पड़ा, एक्सपेरिमेंट करके देखा है, समझा। तो जो भी करंट, उल्टा ही बोल सकते हो तुम लोग, उल्टा ही बोल सकते हैं, बराबर, उल्टा भी हो सकता है, करंट कम करके देखा तो वोल्टेज भी कम हो गया, करंट बढ़ा के देखा तो वोल्टेज भी बढ़ गया। लेकिन उसने कुछ जब ये सब करके देखा तो उसने अलग अलग कंडीशन में करके देखा, एक बार लेंथ कंडक्टर का लेंथ चेंज कर दिया उसने, कंडक्टर समझा था, कंडक्टर, अरे ये कंडक्टर, इसका लेंथ चेंज करके देखा, बराबर। तो वो टाइम पे ऐसा नहीं हुआ, वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ा, ऐसा नहीं हुआ। एक बार देखो समझो, ये पहले पहले फर्स्ट टाइम पे ये लिया ऐसा कंडक्टर और सेकंड टाइम में बढ़ा ले लिया कुछ, बराबर, ये टाइम पे नहीं हुआ, ये टाइम पे ऐसा रिलेशन नहीं आया, समझा। फिर एक टाइम पे ऐसा ऐसा कंडक्टर लिया और एक टाइम पे ऐसा कंडक्टर ले लिया, बोलो क्या बढ़ा दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बढ़ गया ना, समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है। एक बार लेंथ बढ़ा के देखा तो वो रिलेशन आया क्या, सेम सेम नहीं। फिर एक बार एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करके देखा तो वो रिलेशन तो भी नहीं आया, समझा। फिर पूरा का पूरा डायमेंशन चेंज, लेंथ ब्रेथ हाइट सब चेंज करके देखा, बराबर, तो भी नहीं आया, समझा, कभी कभी नहीं आया, लेंथ पे नहीं आया, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं आया, समझा, थर्ड डायमेंशन चेंज करके देखा तो भी नहीं आया। फिर बाद में टेम्परेचर चेंज करके देखा, मतलब यही है, यही कंडक्टर लिया, वही लेंथ का, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सब कुछ वही है, बराबर, लेकिन इसका टेम्परेचर समझो कुछ 70 डिग्री सेल्सियस पे किया तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे कर लिया, तो भी वो रिलेशन नहीं आया, चार पांच जगह पे नहीं आया, बोलो कब कब नहीं आया, लेंथ, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ टेम्परेचर, समझा। तो फिर उसने देखा कि अरे ऐसा कर रहे, मतलब चेंज कर रहे तो रिलेशन नहीं आ रहा, अगर चेंज ना करूँ तो आएगा, अरे तो मैच हो जाएगा ना, समझो ना, अगर मैंने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, लेंथ चेंज नहीं किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं किया, बराबर, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, तो वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट बढ़ता है बराबर से, कब कब नहीं बढ़ता है, समझा,
तो उसका उल्टा रहेगा ना, जब जब बढ़ेगा, समझा ना? कब कब बोलो नहीं बढ़ेगा, लेंथ चेंज किया तो नहीं बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस चेंज किया तो नहीं बढ़ेगा, डायमेंशन चेंज नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बाकी सब केस में बराबर दोनों प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन करते हैं, समझा? समझा? तो स्टार्ट उसने अपना स्टेटमेंट लिखा, एज लॉन्ग एज द फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन है ना, एज लॉन्ग एज द फिजिकल कंडीशन लाइक लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ भी हो सकता है, अरे कोई रेक्टेंगल टाइप कंडक्टर है तो ब्रेथ भी हो सकता है, अरे गोल रहे कि हमेशा कंडक्टर कैसा भी हो सकता है ना, लेंथ, ब्रेथ, डायमेंशन, मटेरियल भी चेंज करके देखा तो भी उसको नहीं मिला, मटेरियल समझ में आ रहा है? एक बार समझो, ये आयरन से लिया, आयरन इधर इधर, ये आयरन का है, Fe का है बराबर, और ये कॉपर ले लिया, कॉपर, मटेरियल चेंज हो गया, पहले लोखंड था फिर तांबा, कॉपर हो गया, मटेरियल चेंज ना, तो ये टाइम पे भी उसको रिलेशन वो ऐसा रिलेशन नहीं मिला जैसे पहले मिल रहा था, एक बड़ा दूसरा बड़ा नहीं हुआ ऐसा, समझा? तो मटेरियल भी उसने चेंज करके देखा, तो एज लॉन्ग एज द फिजिकल कंडीशन लाइक लेंथ, ब्रेथ, डायमेंशन, मटेरियल, टेम्परेचर रिमेन्स, वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसने क्लियर बोल दिया। जब उसने ये सब चेंज करके देखा तो उसको मालूम पड़ा, अरे तो ये अपना कंडीशन आ रहा ही नहीं बराबर वहां पे, तो उसने बोला कि ये सब चीजों क्या रखो, मतलब चेंज नहीं करो, तो आएगा ना रिलेशन बराबर, एज लॉन्ग एज द फिजिकल कंडीशन लाइक लेंथ, बोलो, ब्रेथ, डायमेंशन, मटेरियल, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जब तक ये चीज कॉन्स्टेंट रहेगा तब तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी बराबर से आएगा। क्या होएगा मालूम है? द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्श, सामने सामने ना, अरे दो ये बड़ा ये भी बढ़ गया, ये कम के भी कम, तो डायरेक्टली ना, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, एंड पे लगाते हैं ना वायर, क्या बीच में लगाते हैं, एंड पे लगाएंगे ना, बराबर ना, समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, वही लिखा देखो जो मैंने यहाँ पे बोला है, फिर से एक बार सुनो, क्या क्या चेंज नहीं होना चाहिए, एज लॉन्ग एज द फिजिकल कंडीशन लाइक लेंथ, ब्रेथ, डायमेंशन, मटेरियल, टेम्परेचर, एक मिनट ना, एक मिनट बताना पड़ेगा, किसका, किसका ऑफ कंडक्टर ना बराबर, किसका ऑफ, समझा? बताना पड़ेगा ना किसका, ये सब बताना इंपॉर्टेंट है बराबर, एज लॉन्ग एज द फिजिकल कंडीशन लाइक लेंथ, ब्रेथ, डायमेंशन, मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, इट्स मतलब कंडक्टर का है ना, क्या बोलते हैं वी को, देखो वी का बहुत सारा नाम है, अभी कंफ्यूज है अगर मैं तुमको डिस्टिंग्विश बताने जाऊँ, तुम वी को कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस बोल देगा, कभी मैं उसको वोल्टेज बोल देगा, कभी मैं उसको पोटेंशियल भी बोल सकता है, समझा? तो बहुत वोल्टेज, बहुत सारा नाम है उसका बराबर, वो देखेंगे कि धीरे धीरे कि कैसा, कभी कभी उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा ऐसा, तो देखेंगे हर जगह पे अलग, वैसे हर एक चीज़ का अलग अलग मतलब है, लेकिन कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, बट चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा क्या हुआ? तो आई डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्या मिला उसको, V, I directly proportional to V, अगर I directly proportional to V है तो उल्टा भी तो हो सकता है, V directly proportional to I, ऐसा भी हो सकता है, फिर मैंने तुमको सिखाया है, जैसे ही proportionality का साइन हटता है, equal to आता है, constant आता है, वो R है constant, जिसको हम लोग बोलते हैं resistance of the conductor, पढ़ा ना 10th में, R क्या है, R is the resistance of the conductor, याद है ना, R into I लिख सकते तो I into R भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 into 2 किया तो 6 आता है, 2 into 3 किया तो भी 6 ही आता है, बराबर ना, अरे ध्यान दे रहे हैं, समझा क्या हो रहा है? तो बोलो स्टार्ट कैसे हुआ था, मैं हॉरिजॉन्टल लिखा है, तुम लोग ऐसा नीचे लिखेंगे बराबर, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फिर V इज इक्वल टू R into I, फिर V इज इक्वल टू I into R, यही तो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ ना, समझ में आ रहा है कहां से आ रहा है ओम्स लॉ, ओम्स ने समझा क्या क्या किया था, लेंथ चेंज नहीं किया, ब्रेथ चेंज नहीं किया बराबर, डायमेंशन चेंज नहीं किया, मटेरियल चेंज नहीं किया, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, और फिर अपना काम किया उसने, समझा? फिर देखा कि जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस जो आजू बाजू एंड में लगाया कंडक्टर के, बराबर समझ में आ गया? इतना तो 10th में पढ़ा हुआ चीज है, सर्किट डायग्राम याद है ना, ये 10th का है, 10वीं का है ना, पढ़ा है 10th में, चलो वी ये क्या लगाया मैंने नीचे, क्या बोलते हैं इसको, अरे पोटेंशियल डिफरेंस ये है, ये इधर है, इधर है अप्लाई किया, ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है, वो वोल्ट मीटर, मीटर है ना, वोल्ट मीटर है, क्या काम करता है वोल्ट मीटर, वोल्टेज दिखाएगा, वोल्टेज बताएगा,
ये क्या है, क्या काम करता है, करंट बताता है, मालूम है ना। हमेशा मैं वोल्ट मीटर को डिवाइस के पैरेलल में ही लगाऊंगा। कोई भी चीज़ के हमेशा कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को, याद रखूँगा वोल्ट मीटर किधर भी कनेक्ट नहीं होता है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। याद है कैसे कनेक्ट होएगा, और एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। मेरे लिए ये मेन काम का है ना, आर इसके साथ, ये इसके साथ पैरेलल में कौन आएगा, वोल्ट मीटर, और इसके साथ सीरीज में आएगा, समझा। हमेशा एमीटर को सीरीज में लगाओ और वोल्ट मीटर को parallel. रीजन मालूम है किसी को क्यों लगाते हैं ऐसा पैरेलल में और सीरीज में, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, दसवीं का क्वेश्चन है, टेंथ का है। हमेशा वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में क्यों लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलो, हाँ वोल्टेज तो निकालो, तो काम ही है उसका, वोल्ट मीटर काम है ना वोल्टेज निकालने का। पैरेलल में क्यों लगाया, सीरीज में लगा के वोल्टेज नहीं मिलेगा क्या, रीजन क्या मालूम है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है ना, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है मालूम है ना, तो जो वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा वही वोल्टेज वोल्ट मीटर के यहाँ पे अपीयर होएगा, और वोल्ट मीटर वही वोल्टेज दिखा देगा फिर, समझा। वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, और वोल्ट मीटर क्या निकालने जा रहा था, वोल्टेज, तो ऊपर का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज उसके अक्रॉस आएगा और बता देगा वोल्टेज, राइट वोल्टेज। फिर एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, एमीटर करता क्या है, और करंट मेजर करता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है मालूम है क्या, सीरीज में करंट चेंज नहीं होता है, पैरेलल में होता है ना चेंज, मालूम है ना ये सब चीज, अरे बोलो, मालूम है ना। तो एमीटर सीरीज में क्यों लगाया, क्योंकि एमीटर करंट मेजर करता है और करंट सीरीज में कांस्टेंट रहता है, बराबर ना। एक बात और सुन लो जो एकदम इंपॉर्टेंट वाली बात है, आइडियल वोल्ट मीटर समझना आता है, आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल मतलब इमेजिनरी, आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस रहता है ना वो इनफाइनाइट होता है, कितना होता है, मतलब इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता है, वोल्ट मीटर के अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा आइडियल वाले वोल्ट मीटर, समझा, याद रहेगा। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है जीरो, कितना रहता है, याद है जीरो, रेजिस्टेंस मतलब उसके अंदर से अच्छे से फ्लो हो सकता है करंट। सोचो ना अगर इसके अंदर से करंट फ्लो होता ही नहीं तो क्या इधर तुमको करंट मिलता क्या वायर में, सोचें तो कॉमन सेंस है, समझ में आ रहा है, याद रहेगा। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी, बताया ना ये क्या, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज जीरो, बराबर। आइडियल वोल्ट मीटर के अंदर से करंट फ्लो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को जाने नहीं देगा, रुका देगा करंट को, मैं रेजिस्टेंस करंट आ रहा है नहीं जाने देंगे उसको, समझा, समझा क्या। जीरो रेजिस्टेंस मतलब है नहीं, मैं यहाँ पे जाऊँ, रेजिस्टेंस जीरो ना, आराम से जा सकता है, बराबर, समझा पॉइंट क्या है। तो ये सब चीज़ तुम्हारे सिलेबस में अभी तो नहीं है, लेकिन याद रखो ये सब चीज़ जो जो मैं बताया, समझा। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, अरे बोलो तो एक्टिवली सो रहे ऐसा लग रहा है। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द डिवाइस, डिवाइस के साथ पैरेलल में आता है, और एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस। रीजन तुमको मालूम है, बिकॉज इन पैरेलल वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट एंड इन सीरीज करंट रिमेंस कांस्टेंट। रीजन बहुत सिंपल है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा होता है, बराबर, करंट फ्लो नहीं हो सकता है आइडियल वोल्ट मीटर के अंदर, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है, आइडियल थोड़ी है वो, इमेजिनरी थोड़ी बता रहा है मैं, समझ में आ रहा है। आइडियल एमीटर के अंदर जीरो रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन एक्चुअल में जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली यूज करेंगे वो थोड़ी आइडियल रहता है, आइडियल समझ में आ रहा है, इमेजिनरी इमेजिनेशन में है वो, समझा। जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज करेंगे उसके पास कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा, समझा, बोलो, ठीक है। तो आर क्या है, ये आर रेजिस्टेंस की रेजिस्टर है, रेजिस्टर है वो, रेजिस्टर का सिंबल है एक्चुअल में आर, रेजिस्टर रेजिस्टेंस मतलब मालूम है, पढ़ा ना टेंथ में रेजिस्टर, वो कलर कोडिंग था ना तुमको कुछ, तो नहीं था कलर कोडिंग, नहीं था, ठीक है चलो। आर मतलब होता है रेजिस्टर का सिंबल है, आर रेजिस्टर का, रेजिस्टर समझ में आता है, देखा है रेजिस्टर। अरे कभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओपन किया रहेगा तो ऐसा एक तुमको बायपोलर एक डिवाइस मिलेगा उसमें, ऐसा ऐसा रिंग्स रहता है उसमें, रिंग्स तीन कलर का, तीन रिंग रहता है सब, और लास्ट में भी रहता है, हाँ ऐसा रेड कलर और इधर एक ऐसा लगा रहता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके बिना नहीं बन सकता है, बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रेजिस्टर। काम क्या करता है, करंट को अपोज करता है, समझा,
करंट को अपोज करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 एम्पियर करंट आ रहा है, बीच में रेजिस्टेंस है तो 3 ही भेजेगा, ऐसा नहीं होता है। समझा? 5 एम्पियर आया तो 5 एम्पियर ही जाएगा, करंट का थोड़ा सा एनर्जी इधर डाउन कर देता है वो, समझा, वोल्टेज का ड्रॉप कर देता है। बताऊंगा एकदम डिटेल, अभी तुम्हारा लेवल नहीं हो समझने का। अभी जस्ट समझो कि ये क्या है, ये है रेजिस्टर, बराबर। इसका सिंबल होता है आर, बराबर। रेजिस्टर जो काम करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, समझा। रेजिस्टर काम क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर करने का, बराबर। रेजिस्टर डिवाइस का नाम है, डिवाइस का नाम है रेजिस्टर, समझा। तो कंफ्यूज नहीं होने का, आर है सिंबल किसका, रेजिस्टर का, समझा। चलो सिंबल से अच्छा तुम बोल सकते हो उसको, ऐसा सिंबल बोला जाए तो ये है एक्चुअल में सिंबल, ये सिंबल हो सकता है, ये पढ़ा रखना है टेंथ में, ये रेजिस्टर का सिंबल है। रिप्रेजेंट आर से करते हैं, आर मतलब रेजिस्टर लगाया है वहाँ पे, और वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको भी मैं आर ही बोलेगा, बराबर। आर हमारा वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, फर्क तुमको समझा क्या? मेरा मतलब ये नहीं था कि आर क्या है, मेरा मतलब ये है कि रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, समझा, समझा क्या? अरे अगर मैं इसको रेजिस्टेंस बोलूँ तो ये रेजिस्टेंस आया कहाँ से, रेजिस्टर के वजह से आया ना। अगर मैं इसको रेजिस्टर बोलूँ तो काम वही रेजिस्टेंस का ही करेगा, मतलब एक ही है, समझा। खाली याद रखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में फ़र्क क्या है, समझा। तो दोनों बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तुम लोग रेजिस्टर बोल सकते हो, रेजिस्टेंस बोलेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब याद रखो दोनों का। रेजिस्टर डिवाइस है, डिवाइस का नाम है, बराबर। रेजिस्टेंस उसका काम है, समझा। चलो तो आर के बारे में मालूम पड़ गया, वी मालूम पड़ गया, ए मालूम पड़ गया, बैटरी के बारे में तुमको मालूम है ना? अरे बैटरी तो मालूम ही है ना, दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल रहता है। की मालूम रहेगा, की भी तो मालूम है ना, बंद किया तो सर्किट चालू होएगा, बराबर, मालूम है ना सर। देखो करंट फ्लो होने के लिए 3 नेसेसरी कंडीशन है, जब तक वो 3 नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तब तक करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है। सबसे पहला कंडीशन है सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट, अगर मैं ऐसा कर दूं फ्लो होएगा करंट, करंट कंप्लीट सर्किट चाहिए तो ही जाके क्या फ्लो होता है, करंट। कंडीशन याद रखो, पहला कंडीशन क्या है, सर्किट क्या होना चाहिए, कंप्लीट। दूसरा कंडीशन है पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस, यहाँ पानी है इधर भी पानी है, सॉरी ये एक लेवल है ये लेवल है, यहाँ पानी है, फ्लो होएगा ऐसा, अब क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका पोटेंशियल है ना, डिफरेंस पोटेंशियल का, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो ही कोई भी चीज़ फ्लो होता है, नहीं तो नहीं फ्लो होएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन अर्थिंग होना चाहिए, अर्थिंग देखा रहेगा ना, अर्थिंग, अर्थिंग नहीं मालूम है, होता है अर्थिंग, अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग गाँव वगैरह में करते हैं, बराबर, मालूम है ना। कोई भी बड़ा डिवाइस रहता है उसका एक वायर निकाल के ग्राउंड में डाल देते हैं, कोयला वीला डाल देते हैं उधर, नमक मुक डालते हैं वहाँ पे, एक बड़ा कोई कंडक्टर में बांध के, मालूम है ना, तार डायरेक्ट गाड़ देते नीचे जमीन के अंदर, मालूम है ना, मालूम है ना। तो जब ज़्यादा करंट आएगा तो वो अर्थ के अंदर चला जाएगा, शॉक नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं अर्थिंग, हाँ अर्थ वायर बोलते हैं, बराबर, अर्थिंग। ये था शायद तुमको टेंथ में, टेंथ में था ना, पढ़े नहीं थे क्या, पढ़ा था ना, अर्थिंग होता है मालूम ना, हाँ ठीक है। तो अर्थिंग भी होना चाहिए, वैसे इधर ये डीसी सर्किट में दिखाने की जरूरत नहीं, डीसी सर्किट में न्यूट्रल होता है, बराबर, वहाँ पे उसको ग्राउंडिंग बोलते हैं, ग्राउंड। अभी इतना इतना इधर दिखाने की जरूरत, लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखो, अर्थिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 3 चीज़ बताया, बताओ, पहला पहला क्या होना चाहिए, पहला पहले सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, थर्ड अर्थिंग होना चाहिए, बराबर। अर्थिंग रहेगा तो ही करंट फ्लो होगा, नहीं तो करंट फ्लो नहीं हो सकता है। हर एक के घर में अर्थिंग होता है, मतलब पूरा बिल्डिंग में रहते तो बिल्डिंग का एक ही अर्थिंग रहता है, इंडिविजुअल घर है तो घर का भी अर्थिंग अर्थिंग रहता है, सोसाइटी का रहता है, बड़ा अर्थिंग, बिना अर्थिंग के नहीं फ्लो हो सकता है, नहीं तो कभी अगर अर्थिंग नहीं है तो ज़्यादा करंट आया तो शॉक लगने का चांस रहता है, समझा। कोई बड़ा बड़ा हीटर वगैरह यूज़ करते हैं ना वहाँ पे, तो उसका सरफेस से एक वायर लेके जाके ग्राउंड में डाल देते हैं, बराबर, क्योंकि कभी ज़्यादा करंट आया तो सर वायर से कहाँ चले जाएगा, ग्राउंड, बराबर, ग्राउंड में जाएगा, हाँ किसका, हाँ उसका भी रहता है, उसका भी अर्थिंग रहता है, जो हैवी डिवाइस रहते हैं उसका अर्थिंग रहता है, बराबर, समझा। चलो हम लोग किधर अलग ही चले गए, हम मैं तुमको सिखाया था स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सिखाया, ये सर्किट भी समझ में आ गया, हर एक चीज़ समझा, क्यों मैं उधर के क्यों लगाया वहाँ पे, वोल्ट मीटर पैरेलल में नीचे क्यों लगाया ऐसा, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में ही कांस्टेंट रहता है और सेम ही वोल्टेज तो तुमको मेजर करने का है ना। एमीटर को सीरीज में ही क्यों लगाया, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है और मुझे वही करंट मेजर करना है जो आर से फ्लो हो रहा है, बराबर ना। जो करंट आर से जाएगा क्या वही करंट ये ए से जाएगा, क्या बोले सर, नीचे भी तो थोड़ा करंट जाएगा, मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, आइडियली अज्यूम करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना था, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इन्फिनिट रेजिस्टेंस है, करंट जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा।
जो भी करंट है वो नीचे से नहीं जाएगा, वो ऊपर ही, आइडियल वाले केस में, बराबर। तो जो करंट यहाँ से रेजिस्टेंस से गया, क्या वही करंट एमिटर से जाएगा? तो एमिटर कौन सा करंट मेजर कर रहा है? जो करंट कहाँ से आया था? आर से आया था, वही तो अपना काम है ना। आर किससे जाने वाला करंट तो मेजर करने का है, समझा? याद रहेगा, इतना भी हार्ड नहीं है, बराबर। चलो हाँ, तो सर्किट समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये देखो स्ट्रेट लाइन पढ़ाया ना तुमको मैंने, बताओ y इज इक्वल टू एम एक्स किसका इक्वेशन रहता है? हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। क्या ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा तुमको? y इज इक्वल टू एम एक्स देखो, अरे देखो ना, y इज इक्वल टू एम एक्स। अच्छा, थोड़ा इसको एक्चुअल में इसको देखो, ये प्रॉपर रहेगा, बरा ये प्रॉपर रहेगा, ये इसको देखो और इसको देखो, और बताओ y की जगह पे कौन है? V है। देखो y x पे मैंने v को रखा है, देखो, समझा? अरे रीजन है क्यों कर रहा मैं ऐसा, y x पे v को क्यों रखा, क्योंकि y के जगह पे कौन है? x की जगह पे कौन है? आए, देखो मैंने x x पे आए रखा है, समझ में आ रहा है क्या? अरे मतलब है, मैथ सब जगह जाता है, बराबर, सब जगह लगता है। m स्लोप होता है ना, बराबर। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो ओम्स लॉ है, इसका जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अरे मैच हो रहा है ना इससे, मतलब तुम्हारा क्या है, देख रहे डॉटेड जो लाइन बनाया मैंने, डॉटेड लाइन, ये ओम्स लॉ है। कौन सा ओम्स लॉ? आइडियल, मतलब जैसा ओम्स ने सोचा था। ओम्स ने तो ये भी सोचा था ना कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस वो इन्फिनाइट होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा रहता है नहीं, इन्फिनिटी से कम ही रहता है, समझा? ओम्स ने ये भी सोचा था कि आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस रहता है वो कितना होता है? जीरो। लेकिन एक्चुअल में जीरो नहीं होता है, बराबर, समझा? कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा ना। अरे इस दुनिया में कोई ऐसा डिवाइस बना ही नहीं आज तक जिसके पास रेजिस्टेंस ना हो, सबके पास रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस अपोजिशन है ना, अपोजिशन है, बिना अपोजिशन को जा। अगर सोचो ना, अगर ऐसा कोई डिवाइस होता जिसमें जिसका रेजिस्टेंस होता ही नहीं, बराबर, तो कुछ लॉस होता ही नहीं एनर्जी का। जूल्स लॉ याद है? जूल्स पढ़ा है टेंथ में, जूल्स लॉ था क्या? जूल्स, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी था ना, ऐसा कुछ, कैपिटल डी एफ स्मॉल टी, जो भी। आर रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू? जीरो। लू बोलो हीट जनरेटेड कितना आएगा? मतलब कंडक्टर गर्म होएगा ही नहीं, मतलब चलाते रहो कितना देर भी चलाते रहो, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या? गर्म होता है, होता है ना, फैंस चालू रखो एक दो घंटा, गर्म हो जाएगा अपने आप, समझा? मतलब आज तक ऐसा कोई डिवाइस बना ही नहीं जिसका रेजिस्टेंस जीरो है। सबके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस जीरो अटेन हमने कर लिया, मतलब हम लोग सुपर कंडक्टर में चले गए, सुपर कंडक्टर, समझ आता है? अभी भी हम लोग जब भी कंप्यूटर को ऑन करते, थोड़ा टाइम लेता ना, बूटिंग टाइम लेता है वो, मालूम है? कोई भी चीज़ को ऑन करेंगे थोड़ा टाइम लेता ना, बूटिंग टाइम, कंप्यूटर डायरेक्ट झटके में ओपन होता है क्या? नहीं, टाइम लेता है। क्यों टाइम? रेजिस्टेंस है उसके पास, बराबर ना, रेजिस्टेंस है, अपोज कर रहा है वो, बराबर, फिर थोड़े टाइम में ऑन हो जाता है, समझा? रेजिस्टेंस है इसके लिए। अगर रेजिस्टेंस होता ही नहीं तो हम लोग सुपर कंडक्टर में, ऐसा वैसे हमारे पास एक चीज़ है, सुपर कंडक्टिविटी हम लोग ने अचीव कर लिया, लेकिन बहुत रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे, बहुत कम टेम्परेचर पे होता है। कम तुम वाले में ये क्या बोलते हैं, फुलरीन मालूम है? फुलरीन कार्बन का आइसोटोप, अरे कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, कार्बन फुलरीन भी तो होता है, तुमको टेंथ में शायद ग्राफीन भी था लगता है, ग्राफीन भी था ना, ग्राफीन था ना, है कि नहीं? ग्राफीन की बात नहीं कर रहा मैं, फुलरीन की बात कर रहा हूँ। फुलरीन का एक कंपाउंड है पोटेशियम के साइड, K35C60 करके, बरा वो ये था क्या ऐसा, ये नाम था K35C60। ये कंपाउंड जो है वो सुपर कंडक्टर जैसा एक्ट करता है, मतलब उसके पास रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन बहुत लो टेम्परेचर पर, बहुत कम, बहुत एकदम ज़्यादा कुछ ठंडा होना चाहिए। तो इसके लिए तुमने देखा रहेगा जो भी कंप्यूटर के लैब्स होते हैं उसमें एसी होता है, देखा रहेगा ना? क्यों? क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस रहता है ना हर डिवाइस के पास, टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जितना कम टेम्परेचर रहेगा उतना कम रेजिस्टेंस रहता है, बराबर, समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ाया तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ता है एक्चुअल में, ऐसा है, समझा लॉजिक क्या है? गर्म होएगा ना तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसके लिए बोलते हैं ना कोई भी, अरे गर्म हो गया फैन बंद कर दो, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है बहुत, बराबर ना, समझ में आ रहा लॉजिक क्या है? तो आज तक ऐसा कोई डिवाइस है ही नहीं जिसका रेजिस्टेंस जीरो है। एग्जाम्पल तुमको बताया K35, लेकिन वो कब है? लो टेम्परेचर, वो अभी तुम्हारे सिलेबस में ट्वेल्थ में आएगा तब देखेंगे। चलो हम लोग कुछ अलग ही जा रहे हैं कहीं यहाँ वहाँ, हम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, मैं तुमको ये सिखा रहा था ना ग्राफ, ये नहीं लिखने का यही होता है कि मैं बैठ जाता है यहाँ से वहाँ चले जाते हैं हम लोग। तो
V is equal to RI को हम लोग याद है किससे कंपेयर कर रहे थे, Y is equal to MX. तुम बोलो Y is equal to MX क्या है? It is the equation of straight line passing through. देखो वो ब्लैक कलर का जो डॉटेड लाइन है वो ओरिजिन से जा रहा है बराबर. वो क्या है? वो आइडियल ओम्स लॉ है. आइडियल मतलब इमेजिनरी ओम्स लॉ. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. जब प्रैक्टिकली किया जाता है तो वो जो स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए वो स्ट्रेट नहीं, वो थोड़ी देर तक स्ट्रेट रहता है, बाद में बेंड हो जाता है. ऐसा दिख रहा है ब्लू कलर का? गुड कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर एक्चुअल में वैसा बिहेव करता है. समझा? समझा क्या? हाँ, तो तुमको स्टेटमेंट समझ में आ गया, सर्किट डायग्राम समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया, बराबर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आ गया. समझा अभी तक क्या क्या बताया? चलो अभी कुछ नया नया डिवाइस मेरे पास डिवाइसेस हैं नहीं, तुमको बताता था वैसे था मेरे पास, अभी नहीं है. लेकिन लिमिटेशन है, ओम्स लॉ कहीं कहीं पर नहीं लगता है. क्या कहीं कहीं पर? बहुत जगह पर नहीं यूज़ होता है, बराबर ऐसा भी है. समझा कब कब यूज होएगा? कुछ कंडीशन है, लेंथ चेंज नहीं होना मांगता है, ब्रेथ चेंज नहीं होना चाहिए, डायमेंशन चेंज नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं, मटेरियल चेंज मत करो, बराबर. तो करेंगे क्या फिर? समझा? तो ये सब कुछ लिमिटेशन है ना. एक्चुअल लिमिटेशन देखो यहाँ पे क्या, ओम्स लॉ कुछ कुछ डिवाइस के लिए ओबे नहीं होता है. जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है? नहीं मालूम लगेगा, बताऊंगा बाद में. अभी ये तुमको सेमीकंडक्टर चैप्टर है फिजिक्स में, उधर आएगा तभी याद रखना. पीएन जंक्शन डायोड, एक डायोड मतलब क्या रहता है? सेमीकंडक्टर समझ लो. सेमीकंडक्टर बताया थोड़ी देर पहले, मेटलॉइड. पी टाइप, याद मैं तुमको बताया भी शायद, दो टाइप, पी और एन टाइप. जब पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को एकदम मिक्स कर देते, जॉइंट कर देते बीच में ऐसा, तो पीएन जंक्शन का एक डायोड बनता है. डायोड बराबर, पीएन जंक्शन डायोड ये. और एक डिवाइस है, क्या नाम है? जीनर डायोड. डिवाइसेस का नाम समझ लो, ये सब एकदम डिटेल में हमको, बराबर 12th में भी है, 11th में भी है, बताऊंगा तुमको. किधर किधर ओम्स लॉ नहीं लगता है? पीएन जंक्शन डायोड में काम नहीं करेगा ये, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर. कभी खोलो तुमको मालूम पड़ेगा, ब्लैक कलर का मोस्टली मिलता है, ऐसा रहता है. ये भी इसके जैसा ही दिखता है, लेकिन ब्लैक कलर का रहेगा, ऐसा ब्लैक कलर का रहता है, और सिर्फ एक सिल्वर कलर का रिंग रहता है. ऐसा मैंने काला कलर का देख, सिर्फ यहाँ पे एक सिल्वर कलर का रिंग रहता है, उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, बराबर. एक जीनर डायोड भी होता है, जीनर डायोड वो भी हर एक डिवाइस के अंदर तुमको मिलेगा. हर एक डिवाइस वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है, वोल्टेज को चेंज होने नहीं देता है वहाँ पे, ऐसा. तो पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, बराबर. ट्रांजिस्टर भी होता है, शायद तुमने देखा रहेगा ऐसा कुछ, ऐसा रहता है, बराबर ऐसा, और तीन ऐसा रहता है, ऐसा तीन. ये कहाँ की बात हो रही है? सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कभी खोला रहेगा ना तुमने, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसके अंदर ये चीज़ तुमको मिलेगा ऐसा, बराबर. इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर बहुत अलग अलग टाइप का, पीएनपी ट्रांजिस्टर रहता है, एनपी, यहाँ भी तुम्हारे ऊपर जाएगा, कुछ समझेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट नाम याद रखो, बराबर. तो क्या क्या बताया, बताओ मैंने तुमको तीन चीज़ बताया ना, एक है पीएन जंक्शन डायोड, दूसरा जीनर डायोड, तीसरा ट्रांजिस्टर. ये सब जगह पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है. क्यों वाले में? क्योंकि ये सब डिवाइसेस को बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस. क्या बोलते हैं? नाम में ही है, नॉन ओमिक मतलब ओम्स लॉ लगेगा ही नहीं यहाँ पे. समझा? यहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है. समझा ओम्स लॉ कहाँ पे? लिमिटेशन का मतलब समझा था, लिमिटेशन पढ़ा था नंबर 10th में, ड्रॉबैक्स ऑफ, पहला चैप्टर में था ना वो, कुछ तो डोबेराइनस ट्रायड का ड्रॉबैक वो सब पढ़ा था, ड्रॉबैक. हाँ, ड्रॉबैक मतलब कहाँ कहाँ आपका गलती क्या हो गया, बराबर. वही इसने ये छोड़ दिया, ये इसने ओम्स ने ये सब चीज़ को देखा ही नहीं वो टाइम पे. समझा? समझा किधर किधर नहीं एप्लीकेबल है? पहला बताओ कहाँ पे एप्लीकेबल है? पीएन जंक्शन डायोड. अभी इसके बारे में समझेगा नहीं, मेरे पास अभी है भी नहीं, तुमको बताता था, एकदम छोटा सा रहता है, बराबर. नेट पे चेक करो तुमको मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ेगा. पीएन जंक्शन डायोड, बराबर. दूसरा जीनर डायोड, उधर भी एप्लीकेबल नहीं है. तीसरा ट्रांजिस्टर, यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं है, बराबर. क्यों? इनका नाम क्या है? नॉन ओमिक. यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लगता है, इधर ओम्स लॉ नहीं एप्लीकेबल है. एक और जगह पे देखो, ओम्स ने यहीं तक देखा, उसके आगे उसने ये देख रहे, ये जो ग्राफ है आगे टेढ़ा क्यों हो गया, ऐसा मुड़ क्यों गया, उसका रीजन है, उसका रीजन सुनो क्या है. देखो वो, देखो जो ब्लू कलर का मैंने ग्राफ बनाया गुड कंडक्टर का, वो स्ट्रेट गया क्या ओरिजिन से? उसका रीजन है, रीजन देखो समझाता है तुमको. एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा? बढ़ेगा, बताया ना अभी थोड़ा देर पहले, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ता है. देखो ओम्स ने क्या किया पहले, ओम्स ने देखा चलो करंट बढ़ाते हैं, बराबर. करंट बढ़ाया तो उसको मालूम पड़ा, अरे ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज भी बढ़ रहा है, मतलब उसका लॉ ओबे हो रहा है थोड़ी देर तक. लेकिन देखिए कहाँ से कहाँ तक ओबे हुआ, यहाँ से इधर तक ओबे हुआ, स्ट्रेट लाइन आया. इधर से उसने वो करंट बढ़ाने चालू किया, देखो ये ना, अरे ऐसा है ना, ये आया ना, ये भी है ना, उसने करंट बढ़ाया. ये देख रहे पहले जीरो था करंट, फिर कितना कर दिया 1 एम्पियर. जब 1 एम्पियर किया उसने देखा कि अरे वोल्टेज बढ़ गया है, देख रहे वोल्टेज भी कुछ तो आ गया ना. देखो ना इस करंट के लिए कुछ तो वोल्टेज आया ना ऊपर, ये क्या वोल्टेज आया. फिर उसने करंट और बढ़ा दिया, बराबर, और बढ़ाया करंट. और जब और करंट बढ़ाया तो देखा कि अरे और ज़्यादा वोल्टेज आ गया. देखो
पहले जीरो करंट था तो जीरो वोल्टेज था, करंट थोड़ा बढ़ा दिया वोल्टेज थोड़ा सा आ गया, और करंट बढ़ा दिया और वोल्टेज आ गया, और बढ़ाया करंट, बढ़ा करंट और बढ़ा दिया, समझो इधर बढ़ा दिया तो और कुछ वोल्टेज आ गया, और ज़्यादा वोल्टेज आ गया। लेकिन अब कुछ टाइम हो चुका है ना, अब तुम्हारा कंडक्टर गर्म हो गया है, गर्म हो गया ना, वो होएगा ना गर्म, गर्म हो गया मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ गया। देखो करंट बढ़ा रहे थे वोल्टेज बढ़ रहा था, थोड़ी देर बाद क्या हुआ टेम्परेचर भी क्या होने लगा, गर्म हुआ मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, अभी बताया ना क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो अपोजिशन बहुत ज़्यादा आ गया ना, तो करंट जाएगा क्या अभी, करंट जाएगा नहीं। अब जो तुम्हारा करंट बढ़ रहा था अब वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, कम होने लग गया, समझा। इसलिए तुम्हारा वो ग्राफ ऐसा पीछे मुड़ने जाएगा, दिख रहा है, करंट अब आगे बढ़ाएंगे तुम्हारा पीछे इधर आएगा, देखो कम कम आएगा तुमको वैल्यू, समझ में आ रहा है, कम कम वैल्यू आएगा, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ग्राफ वहाँ पे, रीज़न समझा क्या, रीज़न क्या है, ये रीज़न है, वोल्टेज बढ़ा रहे थे, वोल्टेज बढ़ा रहे थे, क्या हो रहा था, करंट बढ़ रहा था, बढ़ा थोड़ी देर तक तो ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हारा कंडक्टर गर्म हो गया, और जैसे ही कंडक्टर गर्म हो गया मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी, और एक बार रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन, अपोजिशन में आता है, मेला में गए कोई मेला जातरा गए हो ना, तो तुम जो डायरेक्शन में जा रहे हो और वहाँ से पब्लिक आ रही है, सब वहाँ से आ रही है और तुम अकेले वहाँ पे जा रहे हो, तो वो लोग जो तुमको देंगे वो क्या है तुम्हारे लिए, रेजिस्टेंस अपोजिशन, समझा, समझा, समझा ना क्या है, ये ना रेजिस्टेंस, अपोज किया ना उन्होंने तुमको, फिर भी तुम लोग जा रहे हो, जाते ना फिर भी हम लोग जाते ना, पहुँचते तो है बरा, हाँ तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो अपने आप करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बराबर ना, करंट क्या हो गया कम, लेकिन वोल्टेज तो बढ़ाते गए थे, वोल्टेज बढ़ा रहे थे ना हम लोग, वोल्टेज बढ़ा रहे थे, वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो ओम्स के हिसाब से करंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद करंट क्या हो गया, ये रीजन समझा क्या है, उसने ओम्स ने वो टेम्परेचर देखा ही नहीं, उसने देखा नहीं कि थोड़ी देर बाद जो कंडक्टर गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो तुम्हारा करंट बढ़ना चाहिए था वो क्या हो गया अभी, ये देखा ही नहीं ओम्स ने, समझा, समझा, ये सब टेंथ में नहीं था ना, ये टेंथ में नहीं था, बाकी तो टेंथ का ही, ये जो दो चीज़ तुमको सिखाया वो टेंथ में नहीं है। कौन से डायोड में नहीं लगता है बताओ ओम्स लॉ, पीएन जंक्शन डायोड, दूसरा जीनर डायोड, कौन सा रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में भी अप्लीकेबल नहीं है, ये सब डिवाइस को क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस, यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन नॉन ओमिक डिवाइसेस, बराबर, मतलब जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर, ये समझा, ये लॉजिक क्या बताया, ये समझा, समझा क्या, वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ रहा था थोड़ी देर तक तो ठीक था, बराबर, लेकिन उसके बाद जब और वोल्टेज बढ़ाया तो कंडक्टर गर्म हो गया, गर्म होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट कम हो गया, वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ना चाहिए था ओम्स के हिसाब से, देखो ना डायरेक्टली है ना, लेकिन करंट एक्चुअल में बाद में जाके ये ओम्स ने देखा नहीं, तो ये उसका ड्रॉबैक में आ गया ना, लिमिटेशन, समझा, मतलब ओम्स लॉ थोड़े टाइम तक ही वैलिड है, जब एक बार गर्म हो जाए कंडक्टर फिर ऐसा मत सोचो कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल है वहाँ पे, फिर नहीं एप्लीकेबल, फिर घूम जाएगा कर्व, समझा, कर्व की घूम गया ऐसा। अब करंट देखो ना, इधर देखो जरा, ये पॉइंट पे जो करंट आएगा ये पॉइंट पे, बराबर, थोड़ा और जाओ तो मुड़ गया ना ऐसा, अब कम कम होने लग गया ना, करंट कम हो गया ना धीरे धीरे, हाँ ऐसा, चलो तो पॉइंट पढ़ो जरा तो समझेगा हमको और अच्छे से, पॉइंट पढ़ो क्या है, जो ये बताया ना ये वही लिखा है मैंने, ये जो लिखा है ना, हाँ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इंक्रीजेस विद पीडी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बराबर, विद पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इंक्रीज होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में, मतलब और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ और करंट बढ़ना चाहिए, हाँ, करंट इंक्रीजेस विद, लेकिन आगे गेम कुछ अलग हो जाता है, बट व्हेन करंट बढ़ने की वजह से तो तुम्हारा कंडक्टर गर्म हुआ था, बराबर ना, हाँ, बट व्हेन द करंट इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस ऑल्सो इंक्रीज, और एक बार टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, हाँ, किधर गया, टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस ऑल्सो इंक्रीज विच इन टर्न, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस देयर बाय डिक्रीजिंग करंट, समझा, समझा क्या है, ओम्स ने ये चीज देखा ही नहीं था, आगे पढ़ो, ओम्स हैज नॉट कंसिडर्ड दिस टेम्परेचर डिपेंडेंस इन इस रिलेशन, उसके रिलेशन में ये टेम्परेचर कुछ बात ही नहीं हुआ था, समझा, तो ये भी उसके रिलेटेड किस में आ गया, लिमिटेशन में, समझा, लिमिटेशन कहाँ कहाँ पे है, किधर किधर एप्लीकेबल नहीं है बताओ, पीएन जंक्शन डायोड, फिर जीनर डायोड में एप्लीकेबल नहीं है, ट्रांजिस्टर में एप्लीकेबल नहीं है,
थोड़े टाइम बाद जब कंडक्टर गर्म हो जाता है उसके बाद भी एप्लीकेबल नहीं है। समझा क्या है? बोलो समझा उससे जो जो पढ़ा। मेन तो यहाँ से है, ये हमारा मेन, ये मेन इधर है। समझा ना कंडीशन क्या है, याद रहेगा ना? तो ऐसा बहुत सारा और डिटेल में है धीरे के, वैसे तुम्हारे टेस्ट में तो थोड़ा बहुत ही दिया है तो उसके हिसाब से देखते। चलो तो एक न्यू टॉपिक देखते हैं, समझा सबको क्या क्या किया। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रेजिस्टिविटी का एक और नाम है, रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, इधर लिख दूँ कि याद रहेगा तुमको? लिख दूँ। हाँ, इसका एक और नाम बोलो, क्या बताया तुमने? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नहीं, हाँ राइट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिनोट उससे ही करते। क्या बोलते हैं इसको, सिंबल को? रो ना, सिखाया था ना डेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन में आया था, डेंसिटी में बराबर। हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी है क्या? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सुनो। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस एक्चुअल में रेजिस्टेंस है। ये दिखाई दे रहा है कंडक्टर, इसका लेंथ है 1 मीटर। कितने का है? 1 मीटर लॉन्ग है। कितना लंबा है? 1 मीटर लॉन्ग। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये है 1 मीटर स्क्वायर का है। कितना है? 1 मीटर। इसका रेजिस्टेंस होता है ना, इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसका जो रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभी आया किधर से, उसके लिए तुमको 10वीं में आना पड़ेगा, 10th में। देखो 10th में एक चीज सिखाया था तुमको, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। याद है? याद है ये 10th का है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर ये दोनों को मिला दिए थे और बनाया था आर। एक ही बार आर लिखा, ऊपर एल लिखा, नीचे ए लिखा, 10th है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया वहां पे इक्वल टू और एक कांस्टेंट एल। अब याद आया आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये पढ़ा था 10th में। 10th में है ये चीज, ये है ना, है ये 10th में। इधर से ही वो मैंने बनाया, बताता हूँ चलो कैसा। देखो थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, सुनो थोड़ा डिटेल में। राइट है, ऐसा रॉन्ग नहीं है, इसको फिर से तुमको एकदम डिटेल में बताता हूँ। देखो अगर मैं ना कंडक्टर को लंबा करते करते जाऊँ, ऐसा कंडक्टर को ऐसा बड़ा कर दे रहे हैं हम लोग, बड़ा, बोलो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा। जितना लंबा कंडक्टर रहेगा उतना उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है जब मैं क्या बढ़ाऊँ? लेंथ बढ़ाऊँ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बराबर है ना? बोलो हाँ। एक और समझो, ये एक कंडक्टर है और तुम्हारे पास एक और कंडक्टर है, क्या दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट सेम सेम दिखाई दे रहा है तुमको? क्या दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम सेम है? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है ना तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाऊं तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, क्या होएगा? इसलिए तुमने देखा रहेगा जो ओवरहेड लाइंस होता है, मालूम है ओवरहेड लाइंस मालूम है क्या? देखा है, याद है क्या? एंटीना नहीं, थ्री फेस का लाइन जाता है ऊपर से, जो ऐसा थ्री फेस का लाइन, उसका कंडक्टर पतला रहता है कि मोटा रहता है? मोटा रहता है। रीजन है, जितना मोटा कंडक्टर रहेगा उतना उसका ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उतना कम रेजिस्टेंस है, मतलब करंट इजिली जाएगा, मालूम है ना? समझा ना? तो जो कंपनी वो करंट बना के भेज रहा है उसको ज्यादा लॉस नहीं होएगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। जितना मोटा कंडक्टर रहेगा उतना रेजिस्टेंस, लेकिन ऐसा नहीं कि कितना ही मोटा लगा सकते हैं, बराबर, वेट भी तो रहता ना, टूट के गिर जाएगा ना फिर तो ज़्यादा भी रहेगा, तो एक रीजनेबल होना चाहिए। समझाए क्या हो रहा है? समझा? हाँ चलो, ये दोनों को मिलाया, दोनों को मिला देते, बोलो क्या बनेगा? आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शन, एल को डायरेक्टली है और किसको इन्वर्सली? ए हटाया, बोलो जैसे हटाया इक्वल टू आया, कॉन्स्टेंट आया एल बाय, हम लोग ये पढ़ रहे रेजिस्टिविटी। हमारे पास जो कंडक्टर है उसका लेंथ कितना है? 1 मीटर। तो आर इज इक्वल टू रो, एल के जगह पे 1 डाल दूं, 1 मीटर ना, तो 1 मीटर का है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने का है? तो 1 थोड़ी लिखते हैं, तो रेजिस्टिविटी किससे इक्वल हो जाएगा? देखो पहले लिखा है मैंने वहाँ पे, अब समझा? अब जरा ध्यान से सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेजिस्टिविटी बराबर, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टर ऑफ अ कंडक्टर। समझा? रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस है किसका? कंडक्टर। लेकिन कौन से कंडक्टर का? जो 1 मीटर लंबा है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, उसका रेजिस्टेंस है। समझा? फिर से जरा सुनो,
रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच इज 1 meter लॉन्ग एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 meter स्क्वायर. बोलेंगे, बोलो. रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विच इज 1 meter लॉन्ग एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 meter स्क्वायर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं उसको. एंड हुज तो बीच में आना चाहिए ना वर्ड. समझा क्या है? बोलो, रब कर दूं. समझा ना क्या है, कैसे इक्वल हुआ? समझा, जरा बोलो, जरा स्टार्ट करो एक बार फिर से. रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विच इज एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 meter स्क्वायर. जरा बोलो, लिखते हैं हम लोग फटाफट. बोलो, बोलो क्या था? एक मिनट, दो दो नाम है मेरे को लगता है उसका ना. रेजिस्टिविटी बराबर ना, रेजिस्टिविटी और, हाँ दोनों नाम लेते हैं ना, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या? इज द रेजिस्टेंस ही है वो. इज द रेजिस्टेंस किसका? ऑफ कंडक्टर. कौन सा कंडक्टर? विच इज 1 meter लॉन्ग, 1 meter लंबा है. एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? इज 1 meter स्क्वायर. समझा रेजिस्टिविटी का एक्चुअल डिफाइन क्या है? याद रहेगा ना? चलो वो डायग्राम चाहिए तो बना के रख लेंगे हम लोग ऐसा याद रखने के लिए, कि इससे याद रहता है ना कि डिफाइन क्या है ना. 1 meter लॉन्ग हमारा कंडक्टर है और हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने का है? 1 meter स्क्वायर का है. समझा? बराबर ना, इजी है. अब वो डेरिवेशन कर लेते हैं. याद है डेरिवेशन? तीसरी बार करने जा रहे हैं. बोलो क्या स्टेटमेंट? बोलो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर की बात है. फिर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मिला दो दोनों को. रेजिस्टेंस ऊपर एल आएगा, नीचे ए आएगा. जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटा, रो आया, एल आया, ए आया. लेकिन हमारे लिए एल का वैल्यू कितना है? तो आर इज इक्वल टू रो इंटू 1 meter अपॉन 1 meter स्क्वायर. यूनिट से हमारा मतलब नहीं है, तो इसके लिए मैं बोल सकता है आर इज इक्वल टू रो. समझा? या फिर रो इज इक्वल टू आर, क्योंकि मैं रो देख रहा हूँ तो रो लिखता हूँ मैं. चलेगा? अरे उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना. बरा एक्स इक्वल टू वाई, मतलब वाई इक्वल टू एक्स की बात है. समझा ये उसका डेरिवेशन? समझा? चलो अब निकालते हैं इसका SI यूनिट. क्या निकालते हैं? SI यूनिट फॉर्मूले से निकलता है, बहुत बार बताया तुमको. चलो एक काम करना बहुत जरूरी है गया यहाँ पे. रो का फॉर्मूला नहीं बनाया अपन ने, जरा यहाँ से रो का फॉर्मूला बनाओ. रो निकालो यहाँ से, रो का आंसर निकालो. ए जाएगा आर इंटू एल नीचे. समझा? ये फॉर्मूला याद रखो. हाँ, ये किसका फॉर्मूला है? रो का फॉर्मूला है. बराबर, बराबर ना, क्योंकि फॉर्मूला रहेगा तभी तो बनेगा ना SI यूनिट. किसका SI यूनिट चाहिए? रो का. तो रो का फॉर्मूला होना चाहिए था ना तुम्हारे पास, अभी है. ये था क्या फॉर्मूला? अरे वो तो बनाया था मैं, वो थोड़ी फॉर्मूला. फॉर्मूला तो ये है ना. चलो आर का यूनिट बताओ. ओम, पढ़ा ना, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम. एरिया का यूनिट क्या होता है? अभी लिया ना एरिया, कितना एरिया लिया? मीटर स्क्वायर. लेंथ का यूनिट क्या रहता है? मीटर. एक मीटर, एक मीटर जाएगा ऊपर से. बोलो क्या बन गया? ओम मीटर. समझा? ओम मीटर क्या है? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. समझा? नींद में तो नहीं है, ध्यान दे रहे ना. समझा कैसा है? ठीक है, तो ये हम लोग ने SI यूनिट बना दिया इसका. एक बात बताओ, क्या पढ़ा हम लोग? रेजिस्टिविटी वाला पढ़ा ना. हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस सेम सेम होता है कि अलग अलग होता है? कॉपर, आयरन, सिल्वर, अलग अलग रेजिस्टेंस क्या सेम सेम रहेगा? मटेरियल अलग अलग है तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग रहेगा. अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो क्या रेजिस्टिविटी सेम रहेगा कि अलग रहेगा? अलग अलग ना. अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग है कि सेम सेम? ये आंसर दो. अलग अलग रहेगा ना, हर एक मटेरियल का अलग अलग रहता है रेजिस्टिविटी. समझा? तो ये भी एक पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा. 3 पॉइंट हुआ ना हमारा यहाँ पे. देखो रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल का अलग अलग क्यों है उसका पहले रीजन बताओ. क्योंकि हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस है. अरे रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है, लेकिन वो उस कंडक्टर का जो कैसा है, जो कैसा होना चाहिए? बराबर 1 meter लॉन्ग ना,
जो कितना है, तो 1 मीटर नहीं बता रहा जस्ट, ये 1 मीटर लॉन्ग होना चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉसिंग कितना होना चाहिए, 1 उसका है बराबर। अगर ये समझो मैं सिल्वर का लिया तो इसका रेजिस्टेंस अलग रहेगा, तो उसका रेजिस्टिविटी अलग रहेगा ना, समझा। वही मैं कॉपर का ले लूँ तो रेजिस्टेंस अलग, तो रेजिस्टिविटी भी अलग, समझा। सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट, हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग, सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट, हेंस द रेजिस्टिविटी हैज डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट मटेरियल। बनाई तो बड़ा हो गया लेकिन अपने मन से इजी बना सकते, समझा। बोलने का मतलब है हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग है, इसलिए रेजिस्टिविटी भी सिंपल है, बस समझा। चलो बोलो सिंपल क्या रहेगा, सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट, देयरफॉर द रेजिस्टिविटी हैज डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट मटेरियल। इजी है ना, हार थोड़ी है, बोलो बोलो क्या था। सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट, हेंस द रेजिस्टिविटी हैज डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट मटेरियल। बोलो 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 क्या था, सेंस क्या, सेंस सेंस द रेजिस्टेंस ऑफ कौन सा मटेरियल, अलग अलग मतलब डिफरेंट, सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल कैसा है, सेम सेम है, अलग अलग है, सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर डिफरेंट ना, बराबर ना, हेंस इसके वजह से क्या हो रहा है, हेंस द रेजिस्टिविटी जो है, द रेजिस्टिविटी हैज कैसा वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू, अलग अलग वैल्यू है, हैज डिफरेंट वैल्यू किसके लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए, फॉर डिफरेंट मटेरियल, समझा। बोलो समझ में आ गया रे क्या, क्या है रे, ये 11th का टॉपिक है, इधर मजा आ रहा है ना, वो तो आता ही था ना तुमको, ये पढ़ने का तो ये इधर पढ़ो ना, वो तो आता ही है सबको, बराबर। समझा क्या क्या बताया मैंने, रेजिस्टिविटी याद रहेगा क्या है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक ऐसे कंडक्टर का जो 1 मीटर लॉन्ग है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, बराबर ना, ऐसा यूनिट ओम मीटर है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी भी अलग अलग है, सिंपल मतलब है, हिंदी में याद रखो ना, बाकी पॉइंट्स बना सकते हो तुम लोग, समझाए। चलो तो हमने क्या कंप्लीट कर दिया, रेजिस्टिविटी खत्म हो गया ना। चलो अब मैं तुमको दूसरा पढ़ाता है, रेजिस्टर क्या रहता है, रेजिस्टर पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये, रेजिस्टर, तुमको मालूम है ना रेजिस्टर क्या है, प्रॉपर्टी की डिवाइस है, डिवाइस है, ये जो प्रॉपर्टी दिखाता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ना। चलो तो ये हम लोग ने पढ़ लिया, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी भी हो गया ना, हाँ। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेजिस्टर, चलो देखते हैं रेजिस्टर मतलब क्या है, बराबर। रेजिस्टर का मतलब, रेजिस्टर का मतलब ऑलरेडी तुमको मालूम है, ये एक डिवाइस है ना, काम क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर का मतलब अपोज करने का काम करेगा, बस यही है ना, समझा ना। चलो पढ़ के सुनाता हूँ, देखो फिर मैं लिखेंगे आप, जरा सुनो ध्यान दो, रेजिस्टर इज यूज टू लिमिट, लिमिट मतलब रुका रहा है, लिमिट ना लिमिट, रेजिस्टर इज, रेजिस्टर्स आर यूज टू लिमिट द करंट, करंट को रुकाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द थ्रू अ पर्टिकुलर पाथ ऑफ सर्किट, सर्किट है, सर्किट है ना, सर्किट में मैंने रेजिस्टर लगाया है, लगाया ना, क्या कर रहा है वो, लिमिट कर रहा है, किसको लिमिट कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट को, किधर लगाया है, हवा में लगाया क्या, उसके रास्ते में लगाया करंट के, तो पाथ ऑफ द करंट में लगाया ना मैंने, समझा ना। तो पॉइंट का एक मतलब है, जरा फिर तो सुनो क्या, रेजिस्टर्स आर यूज टू लिमिट, रेजिस्टर्स आर यूज टू लिमिट किसको, लिमिट द करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग कहां से, थ्रू द थ्रू द थ्रू अ पर्टिकुलर पाथ ऑफ सर्किट, करंट कहां से फ्लो होता है, वैसे पाथ ऑफ सर्किट बोलो तो भी चलेगा, पर्टिकुलर नहीं, क्योंकि उसके रास्ते में तो फ्लो होगा ना, कहां से फ्लो होगा, बराबर। तो एक बार फिर से, रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू लिमिट क्या, द करंट फ्लोइंग थ्रू द पाथ ऑफ सर्किट, चलेगा इतना याद रहेगा, रेजिस्टर काम क्या है, बोलो जरा बोलो क्या है, रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू लिमिट द फ्लो ऑफ करंट या फिर करंट फ्लोइंग थ्रू द पाथ ऑफ सर्किट, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते हैं, बराबर। आगे क्या है, दो टाइप का रेजिस्टर कमर्शियली अवेलेबल है, कमर्शियली अवेलेबल हमारे पास दो टाइप का है, एक होता है वायर वाउंड रेजिस्टर और एक होता है कार्बन रेजिस्टर, याद रहेगा दो टाइप का रेजिस्टर, पहला एक्चुअल में पहला कार्बन लिखा है यहाँ पे, लेकिन दो ही टाइप है ना, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कार्बन और दूसरा
वायर हो, जो मैंने इधर डायग्राम बनाया था वो कार्बन रजिस्टर था, उसको फोड़ेंगे तो अंदर ब्लैक ब्लैक निकलता है, बता समझा। वायर वाउंड रजिस्टर भी होता है, दो रजिस्टर का नाम याद रहेगा, कौन सा कार्बन रजिस्टर और, चलो पॉइंट सुन लो, पॉइंट सुनो क्या है, चारों पॉइंट में एक साथ देखेंगे, इसके लिए चारों तुमको याद है ना, पहला पॉइंट बोलो क्या था, रेजिस्टर्स आर यूज टू लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द पाथ ना, या फिर फ्लो करंट फ्लोइंग थ्रू द पाथ ऑफ सर्किट, वैसा भी चलेगा। सेकेंड पॉइंट सुन लो, कमर्शियली अवेलेबल रेजिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप, कौन सा है, कार्बन रेजिस्टर, सेकेंड वायर वाउंड, वायर वाउंड मतलब लपटा है ऐसा, बाउंड उसको बोलते हैं, समझा, वायर वाउंड रेजिस्टर, समझा, बोलो। इसमें से जो कार्बन रजिस्टर है वो ज़्यादा करके यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि वो सस्ता होता है, इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा है ना, इन बोल रहा है मैं, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता रहेगा, बहुत बहुत ईजिली अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक का ही पॉइंट, कुछ नया चीज़ नहीं है। तो थर्ड पॉइंट सुनो, कार्बन रजिस्टर्स आर मेनली स्मॉल, छोटा सा होता है, जगह भी कम लेगा, सस्ता भी है, और हमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बड़ा बनाने का है, छोटा बनाने का है, तो जगह कम जगह में काम होना चाहिए ना अपना, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, कार्बन रेजिस्टर्स आर ऑफ स्मॉल साइज, छोटा रहेगा और इनएक्सपेंसिव भी रहता है। सुन लो एक पॉइंट सुन लो, कार्बन रेजिस्टर्स आर मेनली स्मॉल इनएक्सपेंसिव एंड हाई वैल्यू, वैल्यू भी ज़्यादा रहता है, ज़्यादा वैल्यू चाहिए कि कम वैल्यू चाहिए, डिपेंड करता है ना कैसा डिवाइस तुम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा करंट को अपोज करने का है तो उसमें बड़ा रेजिस्टर लगाएंगे छोटा लगाएंगे, बड़ा के लिए जगह भी तो होना चाहिए ना, छोटा लगाएंगे, वायर सोचो ना, वायर वाउंड नाम में ही वायर वाउंड है, वायर खुद बड़ा रहता है ना, वायर वाउंड करेंगे फिर रजिस्टर बनाएंगे वो कहाँ रखेंगे, बरा समझा। तो कार्बन रजिस्टर यूज करते, तीन प्लस पॉइंट है, मतलब तीन प्लस पॉइंट है कार्बन रजिस्टर का, पहला स्मॉल है, मेनली स्मॉल रहता है, सेकेंड इनएक्सपेंसिव है, थर्ड हाई वैल्यू रहता है, वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा बड़ा रजिस्टर लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि खुद का वैल्यू ही ज़्यादा है ना, छोटा सा लगा दिया ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर है, समझा, किलो ओम तक जाता है, बराबर किलो ओम तक जाता है, किलो समझा, मतलब 10^3 ओम ऐसा, समझा। तीन पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट याद है, बोलो जरा बताओ क्या था, रेजिस्टर्स आर यूज टू लिमिट द करंट फ्लो या फिर फ्लोइंग ऑफ करंट थ्रू द पाथ ऑफ सर्किट, सेकेंड पॉइंट बताओ क्या था, कमर्शियली अवेलेबल रेजिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप, कौन सा, कार्बन रेजिस्टर एंड वायर वाउंड है, कार्बन रेजिस्टर का प्लस पॉइंट है, कार्बन रेजिस्टेंस आर मेनली स्मॉल पहला, फिर दूसरा इनएक्सपेंसिव एंड ऑफ हाई वैल्यू, ज्यादा वैल्यू करता है, चौथा पॉइंट लास्ट पॉइंट सुनो, द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर्स आर कलर कोडेड टू मार्क थ्री वैल्यू, टू मार्क देयर वैल्यू इन ओम्स, ये किसका मतलब क्या है, जो मैंने बनाया था रजिस्टर उस पर कलर का पट्टी था ऐसा, तीन पट्टी रहता है लास्ट में का रहता है, बराबर डायग्राम शायद टेस्ट बुक में रहेगा, अगर तुम्हारे पास रहेगा तो टेस्ट बुक में डायग्राम रहेगा। तो एक बार पॉइंट सुनो, अगर तुमको रेजिस्टर का वैल्यू निकालना है तो मालूम है कैसे निकालते हैं, रजिस्टर को देख के उसका वैल्यू निकालते हैं, लिखा विखा नहीं रहता है, देखना पड़ता है रजिस्टर में कौन सा कलर का पट्टी है, वो कलर के हिसाब से निकालते हैं हम लोग वैल्यू। अब वो कैसा निकालते हैं तुमको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 में सिखाएगा कि वैल्यू निकालते कैसे सिखाएगा, बराबर अभी के लिए इतने याद रखो, रेजिस्टर का वैल्यू, कार्बन रेजिस्टर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देख के उसको देख के निकाल सकते हैं, कलर देखना पड़ता है कौन सा कलर का पट्टी है उसके ऊपर, बरा उसके हिसाब से कलर का एक वैल्यू रहता है, वो कलर के वैल्यू से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, बरा पॉइंट जरा ध्यान से सुनो, द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर्स आर कलर कोडेड, बरा इसका जो रजिस्टर का वैल्यू रहेगा उसको कोड के फॉर्म में लिखा रहता है, और वो कोड किसके फॉर्म में होता है, कलर, समझा, द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर्स आर कलर कोडेड, कोडेड समझा रहे, कोड है वो, सबको समझ में नहीं आएगा, जो फिजिक्स पढ़ रहेगा उसको समझ में आएगा, उसको ही मानो ना कि कौन से कलर का क्या वैल्यू है, बराबर है, समझा ऐसा। लेकिन अभी आजकल डिजिटली हो गया, मीटर होता है, मल्टीमीटर रहता है, मल्टीमीटर टक 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 ऐसा करते हैं, दो रहता है लाल और ब्लैक, रेड ब्लैक, वो टच करते हैं उधर उधर लिख के आ जाता है, अरे इतने वैल्यू का रजिस्टर है, ऐसा भी होता है, ठीक है, चलो ठीक है आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर्स आर कलर कोडेड टू मार्क, मार्क ना तीन पट्टी जैसा रहता है, राइट, टू मार्क देयर वैल्यू इन ओम्स, किस में आता है वैल्यू, ओम में आएगा, क्योंकि रजिस्टर का काम क्या है, रजिस्टर ऑफन करने का, और रजिस्टर का यूनिट क्या है, ओम। फोर्थ पॉइंट एक लास्ट पॉइंट पढ़ रहा है, फिर चारों बोलेंगे फिर लिखेंगे, जरा ध्यान दो, द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर्स आर कलर कोडेड, कैसा रहता है, कलर कोडेड टू मार्क देयर वैल्यू इन ओम्स, टू मार्क देयर वैल्यू इन ओम्स, बोलो स्टार्ट करो, पहला पॉइंट, रेजिस्टर्स आर यूज टू लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द पाथ ऑफ सर्किट, चलेगा ना, सेकेंड पॉइंट, कमर्शियली अवेलेबल
रेजिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप, कार्बन रेजिस्टर एंड वायर वाउंड रेजिस्टर। थर्ड पॉइंट, कार्बन रेजिस्टर का तीन प्लस पॉइंट है, मालूम है? कार्बन रेजिस्टेंस आर मेनली स्मॉल, इनएक्सपेंसिव एंड ऑफ हाई वैल्यू। समझा? फोर्थ ही पढ़ाया, याद है? बोलो क्या था? द वैल्यू ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टर्स आर कैसा कोडेड? कलर कोडेड। बराबर, कलर कोडेड में कैसा, उसका जो वैल्यू देते हैं वो किसमें होता है? ओम्स में ना। द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर्स आर कलर कोडेड टू मार्क देयर वैल्यू इन ओम्स। समझा? चलो बोलते, बोलो जरा बताओ क्या क्या था रजिस्टर। बोलो सबसे पहला पॉइंट, बोलो क्या है रजिस्टर, क्या करता है, क्या यूज कहां पे होता है? रेजिस्टर्स आर यूज्ड कहां? टू लिमिट, लिमिट करने के लिए। टू लिमिट, किसको लिमिट कर रहे हैं? लिमिट द फ्लोइंग ऑफ करंट ना, लिमिट द फ्लोइंग ऑफ कहां पे? हाँ, इन कौन सा पार्ट, कोई भी पर्टिकुलर हो सके, इन पर्टिकुलर पाथ। ये पर्टिकुलर पाथ किसका है? ऑफ सर्किट ना। समझा? चलो सेकेंड पॉइंट बताओ जल्दी जल्दी। दो टाइप का रहता है कमर्शियली अवेलेबल ना, इधर याद कर लो बराबर। कमर्शियली, कमर्शियली बताने वाले मैं, जो इजीली सबके पास अवेलेबल ना, ज्यादा बल्क में अवेलेबल। कमर्शियली, कमर्शियली अवेलेबल रेजिस्टर्स आर ऑफ, बोलो कौन सा है? हाँ, टू टाइप में, पहला टाइप कार्बन रेजिस्टर, चलो ठीक है। दूसरा बताओ, वायर वाउंड को बताओ ना, वायर लपटा रहता है ऐसा। अरे वायर खुद रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसको लपट देंगे तो ज्यादा बड़ा वायर बहुत कम जगह ले लिया ना। ये इतना बड़ा वायर और यही वायर को मैं अगर ऐसा लपट दूं, ऐसा इतने में खत्म हो गया ना, इतने में खत्म हो गया, जबकि उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जितना ये लंबा वायर ऑफर करेगा। समझा? इधर ये भी तो रेजिस्टेंस है ना, तो वायर वाउंड रेजिस्टर भी होता है बराबर। सेकंड है वायर वाउंड रेजिस्टर। समझा? चलो थर्ड पॉइंट भी तुमको याद रहेगा मेरे को लगता है ना। हाँ, वो कार्बन रेजिस्टर के बारे में तीन पॉइंट है अपने पास बराबर। बोलो क्या है कार्बन रेजिस्टर, कैसा है मालूम है? हाँ, कार्बन रेजिस्टर्स आर मेनली स्मॉल, ज्यादा करके छोटा होता है, मेनली स्मॉल बरा, आर मेनली स्मॉल बरा, और हाँ सस्ता रहता है, इनएक्सपेंसिव एंड ऑफ हाई वैल्यू ना, ज्यादा वैल्यू रहता है बरा। ज्यादा वैल्यू चाहिए ना, ज्यादा वैल्यू का रजिस्टर छोटा रहेगा, इनएक्सपेंसिव रहेगा। अच्छा है, और कुछ था क्या? वो फोर्थ नहीं, इसमें तीन ही प्रॉपर्टी था ना, तीन ही प्लस पॉइंट था उसका। फोर्थ पॉइंट, द वैल्यू याद है? बोलो, हाँ बोलो, बोल क्या है? द वैल्यू ऑफ दिस, दिस मतलब कौन सा, कार्बन की बात कर रहे हैं, दिस कार्बन लिख ही देते, चलो दिस कार्बन रेजिस्टर्स कैसे होता है? द वैल्यू ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टर्स आर कलर कोड के, कलर के फॉर्म में होता है, कलर कोडेड बराबर, कलर कोडेड ना। आगे हाँ, तो ये टेक्स्ट बुक में लिखा हो, टेक्स्ट बुक का ही भाषा बोल रहा था बराबर, मैं और कुछ नया नहीं है। टू मार्क देयर वैल्यू इन देयर वैल्यू इन, अब तुमको इतना तो समझ में आ गया कि हम लोग कार्बन रजिस्टर के बारे में पढ़ने वाले और उसके कलर को देख के उसका वैल्यू बताने वाले हम लोग। समझा? चलो अब देखते हैं कलर को देख के कैसे बता सकते हैं वैल्यू बरा, देखते चलो वो देखते हैं वो कैसे होता है। इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का भी, कलर कोड ऑफ रजिस्टर बरा। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? कलर कोड, मतलब कलर कोड पढ़ते कैसे, वो कोड कैसे मालूम पड़ेगा अपने को, देखते चलो। कलर कोड ऑफ द रजिस्टर, जिसे उठाने क्वेश्चन नंबर सिक्स, ध्यान दो। कलर कोड ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टर का कलर कोड पढ़ते हैं, पढ़ते हैं बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। पहले मेरे को एक टेबल बनाना पड़ेगा, वो टेबल में मैं कलर लिखेगा, अलग अलग कलर बराबर, और वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वैल्यू भी है, लेकिन उसका एक शॉर्टकट है याद रखने का बराबर, वो तुमको सिखाता है मैं शॉर्टकट। टेस्ट बुक में तुमको दिया रहेगा, जरा देखो मिलेगा तुमको, मिला कॉलम होते शायद, पांच कॉलम है ना वहाँ पे, पांच कॉलम है ना, देखो क्या क्या, सुनो। सबसे पहला कॉलम है कलर का, सेकंड है फर्स्ट डिजिट, सेकंड क्या है देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
फर्स्ट डिजिट, सेकंड, उसके बाद है सेकंड डिजिट, फिर क्या है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, फिर टॉलरेंस, बराबर है। अब मैं जो चीज़ तुमको बताने जा रहा ना उसको माइंड में एकदम अच्छे से फिट करके, एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है इसका, नया चीज़ सिखा रहा हूँ, देखो ज़्यादा नहीं कॉमन सेंस वाला पॉइंट, देखो ब्लैक के बाद ब्राउन, कुछ याद रखने के लिए बता रहा है क्योंकि अगर वो याद नहीं रहेगा कन्फ्यूज जाएंगे यहाँ पे, बराबर। किसके बाद ब्राउन, ब्लैक के बाद क्या आएगा ब्राउन, बराबर। ग्रीन के बाद ग्रे, ग्रीन के बाद ग्रे, बराबर। पहले ब्लैक फिर ब्राउन, मतलब बराबर ब्लैक आना चाहिए फिर आना चाहिए ब्राउन, फिर ग्रीन के बाद क्या आना चाहिए, और रुक जाओ और देखता हूँ अगर रहेगा तो बता दो। हाँ अरे मालूम है मेरे को, मालूम है मेरे को, मालूम है, किसने बताओ, टेक्स्ट बुक निकालो बताओ कौन सा पेज नंबर है, ब्लू है, हाँ ब्लू है ना, मालूम है मेरे को, मैं अब मैंने कब बताया नहीं ना अभी तक, तो वो चीज़ पहले आके चले जाते हैं, रुको अभी तो तू वहाँ पे गया नहीं, मैं खाली बता रहा है, पहले पहले ब्लैक फिर ब्राउन, चलो ऐड कर लो, ब्लू तो ब्लू, ब्लैक ब्राउन ब्लू, बी अगर तीन बार आया तो पहले ब्लैक, पहले बी पे क्या आएगा ब्लैक, दूसरे बी पे ब्राउन, तीसरे बी पे ब्लैक ब्राउन ब्लू, अगर जी आया जी तो पहली बार जी आया तो क्या लिखेंगे ग्रीन, पहली बार जी आया तो ग्रीन लिखेंगे, सेकंड बार आया तो, जरा और कुछ देखो और कुछ अल्फाबेट रिपीट हो रहा है क्या वहाँ पे, नहीं ना, हाँ वो चलो वो गोल्ड का भी कुछ नहीं, बराबर। इधर देखो ये क्या तेरा फेवरेट कलर नहीं पूछा है मैंने, देखो और पिंक लड़की लोग कर रहे थे फेवरेट कलर तेरा भी नहीं, इधर देखो ध्यान दो, इधर देखो सब लोग इधर, हाँ अरे एक पॉइंट याद रखो, कलर लिखने का हमको, पहले हमको कलर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कलर के हिसाब से वैल्यू लिख सकते हैं उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रा देखो कलर में मैंने तुमको बताया ना कुछ तो सीरीज याद करने बताया था, बोलो क्या था, ब्लू फिर ग्रीन, बस इतना याद रहेगा तो हो जाएगा, बरा एक स्टेटमेंट है जो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वो जिसको याद रहता है तो उसके हिसाब से वो लोग लिख सकते हैं ऐसा, बरा तुम लोग कॉलेज में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यही स्टेटमेंट बोलेंगे या फिर थोड़ा आगे पीछे ऐसा करके बोल देते हैं स्टेटमेंट, मतलब वही रहेगा, मतलब इस मतलब से हमको मतलब भी नहीं है वैसे। इधर देखो बी, बी पहला बी बताओ क्या रिप्रेजेंट करता था, ब्लैक बरा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बी बी हो गया, इसके बाद आर ओ वाई रॉय, बरा हाँ रेड, आर मतलब क्या आएगा, ओ से क्या आएगा वाई से, समझा, हंसो मत रे ध्यान दो, ओ भी लगता दो बार है क्या, नहीं ना, नहीं, हाँ जी बी बराबर, जी बताओ पहली बार आया तो क्या करते, ग्रीन, और जो बी आ रहा है तीसरी बार आ रहा है याद अभी तक क्या हुआ है, बी बी फिर रॉय फिर जी बी आया बरा, हाँ आगे वी ध्यान दो, देखो वी जी डब्ल्यू आएगा बरा, उसके बाद आएगा वी जी डब्ल्यू, बताता हूँ उसका रीजन है, मतलब रीजन मतलब बहुत इजी याद करने का है, बता दो कैसे है, वी जी डब्ल्यू बोलो, वी क्या आएगा बरा, वॉयलेट उसके बाद क्या आएगा ग्रे बरा, वाइट बरा, ऐसा इसके बाद है गोल्ड सिल्वर नो कलर बराबर, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर कलरलेस, ठीक है नो कलर, बात मत करो बात मत करो, ध्यान दो देखो, तो एक स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट से याद रखो हो जाएगा बराबर, बी बी स्टार्टिंग में फिर रॉय आर ओ वाई बरा, नहीं ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर बट नो कलर इन लाइफ, ऐसा याद रखते हैं, याद रहेगा ना, बोलो बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर बट नो कलर इन लाइफ, ये याद रहेगा। चलो डिजिट्स देखते हैं फटाफट, ये याद रहेगा ना, आप कैसे समझा, वो याद रखने की जरूरत नहीं, वो समझा
बी बी बोल रहे तो कंफ्यूजन नहीं है, पहले बी में तो ब्लैक आएगा दूसरे बी पे, और आगे कहीं बी आया तो, और तुमको पहला लेटर तो याद करा दिया मैंने ना, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर, ठीक है लेकिन ऐसा होता नहीं है। आ जाओ इधर आओ, फर्स्ट डिजिट सब लोग यहाँ पे ध्यान, इधर 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 देखो, जीरो से स्टार्ट करेंगे डेसिमल नंबर्स, बराबर डेसिमल ना, जीरो से पूरा नाइन तक आएंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वाइट पे आके नाइन खत्म हो जाना चाहिए, बराबर उसके बाद तो गोल्ड सिल्वर बट नो कलर इन लाइफ था ना, हाँ तो ऐसा ही तुम्हारा आएगा, सेकंड भी आएगा, बोलो क्या, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, बराबर है, बराबर क्या बोलो, हाँ अब आएगा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर बहुत ईजी है, 10 के पावर में ये नंबर्स लो जो तुम्हारा पीछे, पहले में 10 के पावर में क्या लेगा, जीरो, कोई भी नंबर रेस टू जीरो, वन वन होता है ना, फिर बोलो क्या लो, 10 रेस टू कितना हो गया, 10, फिर 100 ना, 10 स्क्वायर 100, आगे बताओ, इनटू डालेंगे क्योंकि मल्टीप्लायर है ये सब, बराबर आगे बताओ, इनटू 10 रेस टू 3 इनटू 10 रेस टू 4 इनटू 10 रेस टू 5 इनटू 10 रेस टू 6 इनटू इनटू 10 रेस टू 8 इनटू 10 रेस टू 9, आगे ध्यान दो, इसके बाद उल्टा होता है, उल्टा इनटू 10, ये 9 किसके लिए था, वाइट के लिए था ना, वो थोड़ा आगे पीछे हो गया तुम समझ लो, बराबर गोल्ड के लिए आता है 10 रेस टू माइनस 1, सिल्वर के लिए आता है 10 रेस टू माइनस 2, और नो कलर के लिए डैश है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बराबर। अब एक एक चीज और है, टॉलरेंस, टॉलरेंस कुछ ही कलर का हमारे पास है, ब्राउन के लिए रहता है टॉलरेंस कितने का रहता है, प्लस माइनस 1%, बराबर, और रेड के लिए टॉलरेंस रहता है प्लस माइनस 1% का, मतलब आगे पीछे इतना वैल्यू गलत सही हो सकता है, टू है पहला वाला, सेकंड वाला 2% का है, ठीक है आगे आओ, और कौन सा है, गोल्ड, गोल्ड गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितने का होता है, प्लस माइनस 5% का गोल्ड के लिए टॉलरेंस हो सकता है, सिल्वर प्लस माइनस 10, आगे प्लस माइनस 20 ना, प्लस माइनस 20 का है, और नो कलर के लिए कुछ नहीं है, नो कलर का ही ये लगता है ना, गोल्ड सिल्वर नो कलर का ही है ना, बराबर ना, यही है बस इतना ही, समझा कैसा है, बराबर। तो ये तो तुमको याद रहेगा ना, बी बी आर ओ वाई याद रहेगा ना, फिर ग्रेट ब्रिटेन, देखो इधर कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, इस ये बताने के बाद भी कन्फ्यूजन करते हैं बच्चों, सुनो देखो कि कन्फ्यूजन कहाँ होता है, बी बी रॉय हो गया, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन किया ना तो ओ लिख देते कभी कभी बीच में, बी बी रॉय ना, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बोला ना मैंने, तो ओ नहीं लिख देना वहाँ पे, डायरेक्ट ग्रेट ब्रिटेन, हैज मत लिखना, वेरी गुड वाइफ लिखना, गोल्ड सिल्वर बट नो कलर इन लाइफ, समझा, बराबर ना, तो बीच का जो वर्ड मैंने ऐड किया है पूरा कनेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट को, वो नहीं लिखने का, समझा, समझा क्या क्या नहीं लिखने का, ऑफ और हैस नहीं आएगा भाई, बाकी सब आएगा, समझना कैसा है। अब जरा सुनो, इस ये तो कोड है, ये कोड है, ये कोड है, इससे हम लोग बनाएंगे वो अपना रजिस्टर का आंसर निकालेंगे, देखो अब कैसे निकालते, जरा सुनो, देखो द फर्स्ट टू कलर बैंड, मान लो तीन कलर का बैंड रहेगा और एक लास्ट में एक बैंड आता है, तीन कलर का बैंड आता है और लास्ट में एक, कभी कभी नो कलर का भी रह सकता है लास्ट में, मतलब कोई कलर दिखेगा नहीं तुमको वहां पे, सुनो द फर्स्ट टू कलर बैंड इंडिकेट्स टू नंबर्स, पहला दो कलर बैंड वो क्या इंडिकेट करेगा, चलो एक काम करता हूं पहले बनाता हूं, ऐसा तुमको नहीं समझेगा ये चीज, देखो ये है तुम्हारा वो कलर रेजिस्टर, बराबर ये क्या है तुम्हारे पास रेजिस्टर, इसका तुमको वैल्यू निकालना है, क्या निकालने का इसका, चलो तुमको वैल्यू निकाल के दिखाता है, एक वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके ऊपर, फिर और भी न्यूमेरिकल से वो सॉल्व करना पड़ेगा हमको, ये एक रजिस्टर है हमारे पास, बराबर इसमें पहला समझो कुछ, एक एग्जांपल तो नहीं दिया यहाँ पे, चलो कर लेते हैं, मेरे पास जो कलर है उसके हिसाब से करते हैं, समझो पहला जो बैंड है रेड कलर का बैंड है, बराबर फिर है ब्लू, ब्लू है क्या अपने पास, है ना ब्लू, बराबर ग्रीन भी है, चलो ग्रीन भी कर देते हैं, लास्ट में जो होता है ना, लास्ट में यहाँ पे तो समझो कलरलेस है, कलरलेस है, बराबर कलरलेस से बोल सकते हैं, तो ये हो गया हमारा एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर है, इसका वैल्यू तुमको निकालने बोला है, निकाल के दिखाओ, जब तुम लोग रजिस्टर अपने हाथ में लेंगे तो उसका स्ट्रिप्स दिखता है कलर का, तो कलर का इससे दिखना पड़ता है क्या आएगा, बराबर वहाँ पे चलो देखते हैं, तो ज़रा ध्यान से मैं जो स्टेटमेंट बोलता हूँ सुनो, जो पहला दो बैंड है ना वो पहले दो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, द फर्स्ट टू कलर बैंड, जरा ध्यान दो, द फर्स्ट टू कलर बैंड इंडिकेट्स टू नंबर्स, रेड कौन सा नंबर इंडिकेट करेगा,
टू बराबर, रेड क्या इंडिकेट करेगा, दूसरा ब्लू क्या इंडिकेट के कौन सा नंबर, सिक्स, समझा। द फर्स्ट टू कलर बैंड इंडिकेट्स टू नंबर्स, दो नंबर को इंडिकेट करता है, समझा। अब मैं आंसर नहीं लिख रहा, जस्ट बता रहा तुमको, आंसर अभी आगे बताऊंगा जब कैसे आता, देखते हैं। द फर्स्ट टू कलर बैंड्स इंडिकेट्स टू नंबर, द थर्ड बैंड कॉल्ड एज डेसिमल मल्टीप्लायर। ये जो है ना तीसरा बैंड, सो क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब इसके टाइम पे नंबर नहीं देखने का, इसके टाइम पे मल्टीप्लायर चेक करो, बराबर। तो तीसरा क्या है मेरे पास, ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का मल्टीप्लायर देखो, 10^5, बराबर, 10^5 का मल्टीप्लायर। एंड द फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट्स टॉलरेंस, चौथा बैंड टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है, चौथा बैंड नो कलर का है तो टॉलरेंस कितने का रहेगा, प्लस माइनस 20% का टॉलरेंस, समझा। वैल्यू कैसे निकालते हैं, समझा, अभी जैसे बताया आगे देखेंगे हम लोग डिटेल में, समझा। बोलो, ऐसा ही वैल्यू आता है, बराबर, ऐसा बताऊंगा थोड़ा डिटेल में आएगा, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तभी। तो पहला दो बैंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर्स को, तीसरा बैंड डेसिमल मल्टीप्लायर, और चौथा बैंड, समझा। तो पढ़ के सुनाता है फिर बोलो फिर लिखते हैं, बराबर, ध्यान दो। द फर्स्ट टू कलर बैंड इंडिकेट्स टू नंबर्स, बराबर, द थर्ड बैंड कॉल्ड एज डेसिमल मल्टीप्लायर, या फिर बोल सकते द थर्ड बैंड रिप्रेजेंट्स डेसिमल मल्टीप्लायर, एंड द फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट्स टॉलरेंस। हर एक बैंड रिप्रेजेंट करता है, समझो, ऐसा बोलो क्या था बताओ, हाँ, द फर्स्ट टू बैंड्स क्या करेगा, रिप्रेजेंट्स नंबर, ना नंबर को रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट्स नंबर। आगे बताओ, द थर्ड बैंड, जो थर्ड बैंड है रिप्रेजेंट्स डेसिमल मल्टीप्लायर, बराबर ना, फिर एंड द फोर्थ बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉलरेंस। समझा ना सबको, तुम्हारे यहाँ पे शायद वो डायग्राम के बाजू में एक ऐसा दिया है लगता है, एक सॉल्व करके दिया है ना, डायग्राम रहेगा रेस्ट का, तो उधर एक सॉल्व करके दिया है, देखो एक कलर कोड, टेक्स्ट बुक जरा खोलो, जरा देखो, देखते हैं, टेक्स्ट बुक लाया दिया है ना, 212 पे निकालो, बताता हूँ, समझे सबको कैसे किया अपन ने, समझ समझ में आया क्या क्या पढ़ा अपन ने। चलो इसके ऊपर तुमको एक दो देखते, एक दो सम सॉल्व करने आता है क्या, आएगा ना, अरे कलर दिया रहेगा आंसर बताने का, क्या है 212 पे, 212 पे कहाँ है, अच्छा वहाँ पे एक दिया है, देखो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, देखो। तो पहला क्वेश्चन देख लो, कलर देंगे तुमको कलर और बोलेंगे आंसर निकाल के दिखाओ, बराबर, देखो कलर है येलो, बराबर, फिर है वॉयलेट, उसके बाद है ऑरेंज, फिर है गोल्ड, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन है, जरा देखो और बताओ, येलो 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 का नंबर बताओ, येलो येलो है फोर का, येलो फोर है, वॉयलेट वॉयलेट दोनों जरा, वॉयलेट वॉयलेट सेवन पे है, ऑरेंज के लिए याद है क्या देखने का, इधर इधर आने का, इधर, हाँ ऐसा याद करो, पहला इधर देखो, दूसरा इधर देखो, तीसरा इधर देखो, चौथा इधर देखो, ऐसा भी याद रख सकते ना, बराबर ना। ऑरेंज देखो, ऑरेंज 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 का मल्टीप्लायर, ऑरेंज के लिए तीसरा देखेंगे कितने का, इनटू करेंगे 10^3 से, जरा गोल्ड के लिए चौथा देखेंगे टॉलरेंस, प्लस माइनस 5, ये आंसर नहीं है, ये जस्ट मैंने रिप्रेजेंट किया है इसका, हाँ कुछ नहीं, ये लास्ट वाला तो नहीं लिखेंगे, फिर उसको लिखेंगे नहीं। अब आंसर बनाओ, मिलाओ, पहला 4 मल्टीप्लाई मत कर देना, 4 7 एज इट इज लिखो, इनटू क्या आएगा 10^3 प्लस माइनस 5 पर, वैसे ओम लिखने के बाद भी लिख सकते हैं, हाँ ओम लिखने के बाद ही लिखा है मोस्टली, इधर देखो ओम किलो ओम प्लस माइनस 5%, देखो इधर देखो ओम लिखा है ऐसा, और प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस था ना, ओम लिखो, हाँ अरे ऐसा यूनिट है वो, बराबर, 10^3 मतलब होता है किलो, किलो में बताया ना, किलो तक भी जाता है छोटा छोटा रजिस्टर, बराबर, तो 10^3 हटा तो बोलो क्या आएगा, किलो आएगा ना, किलो ओम, बराबर, प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस, समझा, अरे बोलो, ओम में भी निकालने का, किलो में भी निकालने का, किलो कैसे निकालने का, 10^3 रहेगा तो हटाओ,
नहीं रहेगा तो तीन डिजिट आगे जाने का, समझा, मतलब पीछे जाएंगे ऐसा, जीरो पॉइंट में कर सकते हो तुम लोग, किलो में बताने का, दोनों बताने, समझाइए, दू करके देंगे दूसरा, चलो अभी उल्टा करके देने का, अगर मैं नंबर बताऊं तो कलर बता सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, तो चलो करो करो, 330 ओम, 330 ओम, सेकंड क्वेश्चन है, 330 ओम, ऐसा है, पहले अलग अलग करो उसको, अलग अलग, अलग है ना, समझ में आ रहा है, अलग अलग कर लो, पहले थ्री अलग कर लो, ये दूसरा भी थ्री अलग कर लो, जीरो मतलब मालूम है, जीरो मतलब वो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 330 आया ना, अरे 33 था, इंटू 10 क्या रहेगा तो आया रहेगा ना, समझा क्या, 10 मतलब 10 raised to 1, कुछ कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑरेंज ऑरेंज ब्राउन, ऑरेंज ऑरेंज, 33 क्या आएगा, ऑरेंज ऑरेंज ब्राउन ना, देखते हैं, टॉलरेंस बैंड नहीं है ना वहाँ पे, टॉलरेंस बैंड नहीं है वहाँ पे, नो कलर का बरा, तो बोलो क्या क्या लिखो बताओ, आंसर क्या आएगा, ऑरेंज ऑरेंज, ये इसका आंसर ऑरेंज है ना, ऑरेंज ऑरेंज, फिर Brown. फिर नो टॉलरेंस ना, कुछ नहीं है ना यहाँ पे, नहीं है ना, अरे टॉलरेंस का नहीं है ना कुछ भी, तो नो लिख दिया उधर, वैसे बताने जरूरत नहीं, जस्ट लिख दिया है मैंने, करेंगे एक दो ऐसा बताओ तो तुमको, वो इजी स्किल लग रहा है क्योंकि तुम्हारे सामने है वो, चलो दो तीन में लिख देता है, फटाफट सॉल्व करो उसके बाद घर पे जा सकते हैं, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, फटाफट आंसर निकालो जल्दी जल्दी, थर्ड, ब्लू, ग्रीन, रेड, गोल्ड, हाँ ऐसा करके याद रखो, ओम में भी आंसर आना चाहिए, किलो में ओम में भी आना चाहिए आंसर, थर्ड क्वेश्चन है ये, फोर्थ, ब्राउन, ब्लैक, रेड, सिल्वर, रेड रेड ऑरेंज गोल्ड, ऑरेंज व्हाइट, रेड गोल्ड, सेवेंथ क्वेश्चन है येलो, वॉयलेट, येलो वॉयलेट, ब्राउन सिल्वर, एक मिनट रुक जाओ, निकालो फटाफट, ओम में भी निकालो, किलो ओम में भी निकालो आंसर, किलो निकालने आएगा ना, तीन डिजिट पीछे आ जाने का बराबर, और 10 का पावर है तो 3 पावर निकाल दो वहां से, खुद से सॉल्व करो, यहाँ वहां देखो मत, चलो बताओ तुम बताओ, चलो ब्लू के लिए बताओ, ब्लू ब्लू 6 का है बरा, फिर ग्रीन, ग्रीन 5 का है, रेड के लिए थर्ड मल्टीप्लायर में आओ, 10 raised to 2, गोल्ड बताओ, प्लस माइनस 5, बोलो आंसर, 6 5 into 10 raised to 2 ओम प्लस माइनस 5 पर, लेकिन किलो भी चाहिए, किलो के 3 आना पड़ेगा, 3 में से 2 तो यही दे देगा तुमको 10 raised to 2, एक बचेगा तो बोलो क्या आएगा, 6.5 बस ना, ओम नहीं किलो ओम प्लस माइनस 5, समझा कैसे करने का है, करो जल्दी जल्दी करो, तो जिसको नहीं आ रहा है बताओ कि कर लेंगे, कर लेंगे ना, सिखा दिया अब कर लो, ब्राउन देखो, ब्राउन है, ब्राउन 1 का है, ब्लैक है 0, रेड है 2, और सिल्वर के लिए टॉलरेंस है प्लस माइनस 10% का, तो 1 0, अरे रेड इंटू 10 raised to 2 आएगा, इंटू 10 raised to 2 ओम प्लस माइनस 10%, 3 करने का तो 1 आ जाएगा, 2 ये दे देगा, 1 0 यहाँ से आ गया ना, 1 kilo ohm प्लस माइनस 10% का टॉलरेंस है, ऐसा रेड 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 मतलब 2 2 आएगा, 2 2 ऑरेंज के लिए आएगा इंटू 10 raised to 3, गोल्ड के लिए फिर से आएगा प्लस माइनस 5 पर, देख लो कल ये तुमको ओरल में पूछेगा ये सब, मैं 22 into 10 raised to 3 ओम प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस है, डायरेक्ट 10 raised to 3 हटाएंगे, किलो लेके आएंगे ना,
तो 22 किलो ओम प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस। ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ है? ऑरेंज है 3, वाइट है 9, रेड है इंटू 10^2, गोल्ड प्लस माइनस 5 का है, तो तुम्हारा आंसर है 39 इंटू 10^2 ओम प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। फिर से वही 3 हटाना है तो 3.9 आएगा, किलो ओम लिखेंगे प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस। लास्ट येलो वायलेट, येलो है 4, वायलेट है 7, ब्राउन 10^1, सिल्वर के लिए है प्लस माइनस 10%। तो बस आंसर आ गया 47 इंटू 10^1 है ओम, प्लस माइनस 10% का टॉलरेंस है। 3 हटाना है तो 2, 1 यहाँ से हटा दो, 2 यहाँ से हटा दो, 0.47 किलो ओम प्लस माइनस 10% टॉलरेंस। खत्म। मतलब इसका न्यूमेरिकल भी हमने साथ में कर लिया है। समझा तुमको ये क्या कराया? ये मजा आया ना लास्ट में? ये सब नया नया चीजें, बाकी तो पढ़ा हुआ था तुमने स्टार्टिंग में, इसके लिए स्टार्टिंग थोड़ा इजी सी था। समझा ना कैसे निकालते कलर कोड? देख, समझा कलर को देख के कोड कैसे पहचानते उसका? समझा कलर कोड ऑफ रजिस्टर? चलो ठीक है, इधर रुकते फिर हम लोग आज। 20 बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अच्छा लिख दूं क्या? हाँ, नहीं तो भूल जाएंगे तुम। देखो बीबी रॉय ऑफ, हाँ ऑफ के लिए यूज मत करना ये, समझा? ये यूज नहीं करते। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बराबर ना स्पेलिंग? टी आई एन ना, ठीक है चलेगा। हैज मत यूज कर देना, समझा? वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर पर याद रहेगा तुम लोगों, गोल्ड सिल्वर लिया है, लिखा है ब्रिटेन है, ब्रिटेन, अच्छा ब्रिटेन है, गोल्ड सिल्वर बट वो मैंने बनाया, समझो आगे वाला। इन लाइफ हाँ, बट भी नहीं आना चाहिए, बट नो, बट है कि नहीं है देख लो, नहीं है, नो कलर इन लाइफ, लाइफ नहीं है ना, ठीक है ना, कट कर दिया, समझ जाओ ना, इन नहीं है, नो कलर इन भी नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं है ना, बड़ा तो याद रखो तुम्हें, वैसा समझा ना कैसा है? चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा कल का ओरल का कंटेंट रेडी।